Thank you.
पवित्र पवित्र त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम् वैराग्युक् भक्तिरसं प्रयत्नैरपायन् मा मनभिक्षु मन्दं कृपामुदीर्य परदुःखदुःखी सनातनस्तं प्रभुमाश्रयामि हरे कृष्ण सबोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो श्री गुरु पूर्णिमा की जय भगवान वेदव्यास की जय शील सनातन गोस्वामी पाद की जय तदीशपति रो भाव तिथि महोत्सव की जय भगवान वेदव्यास के आविर्भाव तिथि की जय पूज्यपाद परम पूज्यपाद भक्ति वेदांत तीर्थ महाराज की तदी आविर्भाव तिथि की जय प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज के इस पावन तिथि में श्री रमन बिहारी जी गौड़ीय मठ में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग यहाँ पर श्री गुरुदेव के चरणारविंद में विराजमान होकर के
ये पावन तिथि को हम लोग मनाने जा रहे हैं। क्या है आज? श्री गुरु पूर्णिमा। प्रातः काल भी हम लोग लगातार 2-2.5 घंटा जो है बड़े विस्तार के साथ यही सब विषय को श्रवण किया, और फिर दोबारा संध्या काल में फिर हमें जो है ये सुंदर सा सुयोग हमें प्राप्त हो रहा है। जिस दिन भगवान वेदव्यास जी ने जन्म लिया, आविर्भूत हुए, उस दिन को व्यास पूर्णिमा कह के माना गया है। जय पूज्यपाद भक्तिवेदांत श्रीधर महाराज की। तो जिस दिन चंदन और फूल माला देना, बाकी जो वैष्णवों को भी दे देना। आप ठीक, एक ही माला यहाँ भी है। ठीक है, सब लोग बैठ जाओ। पहले कथा होगा, फिर बाद में पुष्पांजलि करते रहना, फिर समय नहीं है। तो भगवान वेदव्यास जी ने जिस दिन आविर्भाव हुए, उसी दिन को व्यास पूर्णिमा कह के मनाया गया है। तो आज क्या है? व्यास पूर्णिमा, क्योंकि व्यास जी ने जो हैं सारे शास्त्र का उन्होंने विस्तार किया। व्यास माने विस्तार करना, तो सारे शास्त्र का जो है उन्होंने विस्तार किया। तो जिन जिन गुरुओं ने भी वैसे ही विस्तार का कार्य किया है, वो सब भी व्यास कह के माना गया। तो इसीलिए व्यास पूर्णिमा का दूसरा नाम गुरु पूर्णिमा भी मनाया गया, माना गया। इसलिए चाहे इसको व्यास पूर्णिमा कहो या चाहे इसको गुरु पूर्णिमा कहो, कथा के बाद आप देते रहना, कोई चिंता नहीं। थोड़ी देर बैठ जाओ, सब लोग बैठो, अभी कथा का समय है, फिर उसके बाद आप आराम से देते रहो। यहाँ आप कोई नहीं आएगा, इधर जो आएगा तो 1,00,000 रुपए देना पड़ेगा, देख लेना। तो जिन गुरुओं ने व्यास का कार्य किया है, तो वे भी व्यास कह के माना गया है। तो इसलिए इसको गुरु पूर्णिमा के नाम से भी ये तिथि को माना गया, कहा गया। तो इसलिए इसको व्यास पूर्णिमा कहो या गुरु पूर्णिमा कहो, एक ही तात्पर्य। श्री भगवान वेदव्यास जी ने हमारे लिए क्या नहीं दिया, आज उनकी तिथि, पूरे शास्त्रों का उन्होंने विस्तार किया है। एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, चार नहीं है, ढेर सारा है, अनेकों हैं, जिनको पढ़ने में ही
पूरा जीवन शायद निकल जाए। चारों वेद है, क्या है? चार वेद है, ऋग, यजुर, साम और अथर्व। चार वेद हैं, चार वेदों को उन्होंने पहले वो श्रुति के रूप में था, यानी केवल सुनने में ही था, उसको उन्होंने जो है लिखित रूप में उन्होंने प्रकाशित किया। नया सा कुछ नहीं किया, था पहले से ही, नित्य है, उसको केवल उन्होंने लिपिबद्ध किया है, बस प्रिंट किया, आप समझो प्रिंट कर दिया। क्यों? मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रुत। इस कलियुगीय जीव मंद, भाग्य भी मंद, सब कुछ ही मंद है, बुद्धि भी मंद है, परिस्थिति भी मंद है, याददाश्त भी मंद है, जान करके दया के कारण उन्होंने इस प्रकार किया। और केवल छाप के छोड़ नहीं दिया, योग्य शिष्यों को उन चीजों को पढ़ाया, यजुर्वेद को वैशंपायन को दिया, सामवेद को पहल को दिया है? और ऋग्वेद को किसी को दिया और अथर्ववेद किसी को दिया, इस प्रकार से वो अपने शिष्यों को दिया। और इस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में वेदों का प्रचार प्रसार किया। साथ में उन वेदों को जो है समझने के लिए कुछ कुछ जहां पर पाठ वेद है, वेदांत सूत्र को प्रकाशित किया। बहुत कठिन है, बहुत कठिन, हमारे सारे वेदों का सार का भी सार है ये वेदांत सूत्र। वेदांत सूत्र को उन्होंने प्रकाशित किया। यदि किसी ने वेदांत सूत्र को पढ़ लिया, ब्रह्म सूत्र जिसे कहते हैं, तो समझो वेद को वो जान लिया। तो इसलिए बहुत कुछ है जानने के लिए। थोड़ा सा दो एक ग्रंथ पढ़ के हम समझ लेते हैं हमें सब आता है, हमें तो कुछ नहीं आता, ठीक है। और महाभारत लिखा, कितना लाखों श्लोक है जिसे पढ़ते पढ़ते 10 साल लग जाए, इतना बड़ा है। रोचक भी है, नीचे रखने का नाम, वो टीवी वाला नहीं कह रहे हैं यहां पर, ग्रंथ वाली बात कर रहे हैं, नीचे रखने का नाम नहीं है, इतना मतलब बढ़िया लिखा है कि बस। तो भी इतना सब कुछ, अच्छा फिर सारा पुराण लिखा 17, तो पुराने प्रकाशित की, और भी कई सारी चीज, धर्मशास्त्र सब कुछ, तो भी भगवान वेदव्यास जी संतुष्ट नहीं हुए। कारण क्या है? सब कुछ किया फिर भी संतुष्ट नहीं हुए कि, तो कारण क्या है समझ नहीं पा रहे हैं। कैसे समझेंगे? भले ही भगवान की शक्ति आवेश ये अवतार हैं, तो भी ये दिखाया सदगुरु के बिना रोग का पकड़ पाना कभी संभव पर नहीं है। इसलिए जो कहता मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों बीच में ना कोई, वो कभी भी ना गिरिधर को पाता है ना ही संसार को पाता है। सब समय गुरु बीच में चाहिए, बिनु गुरु भवन ही नहीं तर न कोई, यदि ब्रह्म विरिंची समय न होई। तुलसीदास जी ने कहा बिना मार्गदर्शन के, बिना सब गुरु के जो है भगवत प्राप्ति संभव पर नहीं है। तो इसलिए श्री वेदव्यास जी ने दिखाया, जब उनको समझ नहीं आया तब नारद ऋषि का, गुरु का आश्रय लिया, समर्पित हुए मनी मन की समझ ही नहीं आ रहा क्या करना। यदि शिष्य समझे हम गुरु से ज्यादा जान गए हैं, समझो उसी समय उसका परमार्थ से पतन है। भगवान वेदव्यास जी सारा वेदांत सूत्र, सारा वेद, सारा पुराण लिख के भी क्या समझ रहे हैं? मुझे कुछ नहीं आता। हम थोड़ा सा 2-4 श्लोक समझ लिया, हम समझते हैं हम तो सब जानते हैं, गुरु क्या है? कुछ नहीं। गुरु को मापने लग जाते हैं,
मर्त्य बुद्धि से, तो इसलिए वो हमारे लिए पतन का कारण है। तो इसलिए वेदव्यास जी ने जब इस प्रकार से समर्पित हुए, नारद ऋषि को नाड़ी पकड़ना भी नहीं पड़ा। प्रश्न पूछते ही, छूटते ही नारद ऋषि ने कहा, वेदव्यास जी ने प्रश्न पूछा, मैं संतुष्ट नहीं हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे रोग का कारण क्या है। तो प्रश्न पूछने के साथ ही साथ छूटते ही नारद ऋषि ने क्या जवाब दिया, जिस प्रकार से तुमने धर्मार्थ काम मोक्ष की महिमा सब जगह वर्णन किया, वैसे तुमने निर्भीक रूप से शुद्ध भक्ति और कृष्ण की महिमा का तुमने कहीं भी वर्णन नहीं किया। श्री गुरु महाराज बड़े सुंदर तरीके से इस चीज को समझाते हैं। पूछते हैं नारद जी, क्या तुमने व्रज की महिमा के बारे में समझाया, क्या तुमने ये बताया, यशोदा मैया के प्रेम में कृष्ण बंध जाते हैं ये सब बताया, गोपियों के प्रेम में बंध जाते हैं क्या ये सब तुमने कहा। गुरुदेव मैंने तो नहीं कहा, फिर क्या कहा। तो फिर क्या कहा, फिर तो फिर श्री नारद ऋषि के कहने पर, जय तो फिर क्या कहा, बस धर्मार्थ काम मोक्ष की बातें करी। कल तो सुबह भी, आज सुबह भी हम लोग प्रभुपाद जी के इस वाणी को सुन रहे थे। प्रभुपाद जी ने कहा इस व्यास नारद संवाद का सार बात क्या है, यही है कि धर्मार्थ काम मोक्ष को जितना मर्जी आप बकान कर लो, जितना मर्जी उसके पीछे भाग लो, हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते, कभी सेटिस्फैक्शन हमको नहीं मिल सकता है। तो सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगा, कृष्ण कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्त की सेवा, कृष्ण कान के द्वारा कृष्ण कथा, कृष्ण भक्तों का संग, कृष्ण कथा का स्मरण, कृष्ण कथा का कीर्तन, ना जब तक ना करें तब तक जो है कोई भी प्रसन्नता संतुष्टि संसार में प्राप्त नहीं कर सकता है, यही इस व्यास नारद संवाद का शिक्षा है, ऐसा प्रभुपाद जी ने सिखाया। तब उन्होंने क्या किया, नारद ऋषि के कहने पर भगवान वेदव्यास जी समाधिस्थ हो गए। कैसे, भक्ति योग, भक्ति योगे न मनसी प्रणहिते अमले अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम तदपाश्रय। भक्ति योगे न मनसी, भक्ति योग के बिना मन जो है निर्गुण नहीं हो सकता है, वो सब समय रजोतमो गुण के प्रभाव में ही रहने के लिए बाध्य है, निर्गुण नहीं हो सकता। तो इसीलिए भक्ति योग के प्रभाव से निर्गुणत्व को प्राप्त किया, और निर्गुणत्व से जो है कृष्ण का पूर्ण स्वरूप का दर्शन किया, माया को पीछे भयभीत होकर के रहते हुए देखा, और देखा ये भी कि जीव जो है मुक्त है, जीव बंधन में है ही नहीं है, फिर भी वो समझ लेता है कि मैं बंधन में हूं, यही माया, जो नहीं है वो समझ लेता ये है, इसलिए बंधन में है ही नहीं, फिर भी समझ लेता बंधन में। तो इसलिए इससे निकलेगा कैसे, तो कहते हैं इसलिए उन्होंने विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम, ये भागवत महापुराण को इसीलिए उन्होंने रचना की, माया से निकलने के लिए, माया में फंस के मरने के लिए नहीं लिखा, माया के बंधन से निकलने के लिए ये शास्त्र को प्रकाशित किया। निवृत्ति परक है, प्रवृत्ति परक नहीं है। तो तब जाके बताया गया यस्याम वै श्रूयमानायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंस शोक मोह भयाप। इस भागवत को जो सुनेगा भय जाएगा, शोक जाएगा, मोह जाएगा, बड़ा शांति से रहेगा। क्यों, वो धर्मार्थ काम मोक्ष तो छूट गया, केवल कृष्ण के चरण में समर्पित जो है हो गया। तो यहाँ पीछे जगह है, आप आराम से आ जाओ यहाँ। बंद कर दो इसको, सब लोग पीछे से फिर आएंगे सब। हाँ आगे आ जाओ सब, पास पास में फिर आ जाओ, आप लोग भी फिर आ जाओ आगे आगे।
तो ये भगवान वेद व्यास जी ने इस प्रकार से हमें भागवत महापुराण को दिया है, यही दवाई है, यही औषधि है। इस औषधि को जब तक पान नहीं किया तब तक जो है कष्ट नहीं जाएगा, जितना मर्जी कर लो कष्ट का निवारण नहीं हो सके। आज उनकी तिथि, ये भागवत को वेदव्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी पाद जी को सिखाया और वही परंपरागत रीति से आज पूरे विश्व में भारती ने घर घर में भागवत की महिमा। तो इसलिए वेदव्यास जी के इस स्थिति में हमें कम से कम प्रण ले लेना चाहिए क्या कि व्यास देवी की वास्तव में पूजा क्या है। हाँ, धूप दीप और फूल माला तो है कि तो वास्तव में पूजा उन्होंने जो मेहनत से बद्रिकाश्रम में रह के जो उन्होंने संग्रह करके हम लोगों को जो दिया है, यदि हमने उसको संग्रह करके सर पे प्रणाम करते हुए यदि हमने उसमें से दो शब्द भी पढ़ा और उन चीजों को समझा या समझने के लिए भी प्रयास किया तो हमारा जीवन सफल है और यही वास्तव में व्यास की पूजा। नहीं तो व्यास देव जी ने तो भंडारा दिया और आप बस केवल धूप दीप घुमाते रह गए, क्या होगा इससे। मैं सुबह भी कह रहा था, एक व्यक्ति मर रहा और कह रहा आ आ आ आ करके कह रहा है और आप उसके चरण दबा रहे हो। अब वो कह रहा बेचारा, वो कहना चाह रहा पानी दो और आप तो समझ नहीं पा रहे हो, आप उसका पैर दबाया जा रहा और सोच रहे मैं सेवा कर रहा हूं। तो यही तो होगा फिर, ज्यादा से ज्यादा फिर और क्या होगा। तो वेदव्यास जी कुछ कहना चाह रहे हैं और आप बार बार दीप घुमाया जा रहे हो, उससे कोई ज्यादा कोई फायदा नहीं। इसलिए व्यास पूजा करनी है तो प्रतिज्ञा लो, हम पढ़ेंगे, पढ़ना है, दो श्लोक पढ़ना, दो पेज पढ़ना, एक पेज पढ़ना, पढ़ना जरूर है। टीवी देखने से या ड्रामा क्या कहते हैं महाभारत और रामायण सीरियल देखने से नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा। और साथ ही साथ श्री चैतन्य महाप्रभु जी के पार्षद श्री सनातन गोस्वामी पाद जी का भी जो है आज विशेष तिथि, बहुत ही शुभ तिथि है। सुबह भी जो है हम लोग विस्तार से सनातन गोस्वामी पाद जी के बारे में श्रवण किया कि सनातन गोस्वामी पाद जी किस प्रकार से जो है भजन किया, मदन मोहन जी की कैसी कृपा उन्होंने प्राप्त किया या मदन मोहन जी कैसे उनके पीछे पीछे आए बताओ। हम ठाकुर जी के पीछे पीछे जाते हैं किंतु तो सनातन गोस्वामी पाद जी के पीछे पीछे मदन मोहन जी आ रहे हैं और कह रहे हैं अरे मुझे साथ में ले जाओ। बताओ ये क्या क्या बात है। बताओ, हम ठाकुर जी को कह रहे हैं कि दर्शन दे दो आप, तो भी नहीं देते। और सनातन गोस्वामी पाद जी को दर्शन देना तो छोड़ो, कह रहे मुझे अपने साथ घर ले जाओ, मतलब तुम जहां रहते हो मुझे वहां तुम ले जाओ, क्या बात। यही तो प्रेम का लक्षण है, यही तो प्रेम की चीज है। जिनके अंदर प्रेम है तो ठाकुर जी केवल दर्शन नहीं देते हैं, छीन के सेवा भी लेते हैं, मांग के सेवा भी ग्रहण करते हैं। सनातन गोस्वामी पाद जी के जीवन में बहुत कुछ शिक्षाएं, बहुत कुछ। पहले तो वो प्रधानमंत्री थे, फिर बाद में छोड़ के वृंदावन आ गए, किंतु ऐसा नहीं था कि एक दिन प्रधानमंत्री थे और दूसरे दिन त्यागी हो गए, ऐसा नहीं था और ऐसा किसी के साथ भी नहीं होता। जब वो प्रधानमंत्री थे बचपन से ही वे कृष्ण भक्त थे, बचपन से ही क्या थे वो कृष्ण भक्त। तो जब वो प्रधानमंत्री थे जहां बंगाल में मालदह में जो गौड़ा देश का राजधानी था उसके पास में ही, राजधानी में नहीं रहते थे, राजधानी से बाहर एक छोटा सा स्थान है उसका नाम है रामकेली, आज भी है, बड़ा रमणीय स्थान, बड़ा सुंदर स्थान।
और जहां वह रहते थे उस पूरे स्थान को उन्होंने क्या बना दिया, वृंदावन बना दिया। परिवेश ना होगा तो भगवत स्मरण भी नहीं होगा। गंदगी में बैठोगे, कमरा गंदा बदबू रहेगा, उसमें बैठोगे माला करोगे तो भगवान का याद थोड़ी ना है। या घर में भी है गंदगी है, कपड़ा यहाँ गंदगी यहाँ, उस तमोगुणी स्थान में बैठ के थोड़ी ना फिर भगवत स्मरण होगा, ऐसा नहीं होता। परिवेश चाहिए, परिवेश के बिना, सत परिवेश के बिना भगवत स्मरण नहीं होता। तमोगुणी रजोगुणी स्थान में भगवान का स्मरण नहीं हो सकता। तो इसीलिए सनातन गोस्वामी पाद रूप गोस्वामी पाद ने उस पूरे स्थान को एकदम वृंदावन बना दिया। वहीं पर गोविंद जी, गोपीनाथ, मदन मोहन जी है, वहीं पर राधा कुंड, श्याम कुंड है, वहीं पर बहुत कुछ है। और वहीं रह करके उन्होंने प्रतिदिन जो है भागवत की चर्चा करते रहे और भागवत की व्याख्या जो है भक्तों से पंडितों से सुनते थे। तो पहले से ही प्रस्तुत थे, पहले से ही तैयार था सब प्रकार से चीजें, वो बस केवल समय का फर्क था और कुछ भी नहीं। यदि हम भी वैसा प्रस्तुत नहीं होते हैं, हम कहेंगे या बस यहाँ छोड़ दिया, वृंदावन में जाके मैं बैठ गया, ऐसा नहीं होता। यहां से जब तैयारी, मन से तैयारी नहीं होगी, शरीर तैयार कैसे हो जाए, ठीक है। इसलिए तो कारागार में फिर चले गए, वहां से फिर जैसे ही मौका आया चल पड़े, साथ में सेवक को लिया, सेवक को भी देखा कि सेवक को कृष्ण में भरोसा नहीं, पैसे में भरोसा, तो सेवक को भी छोड़ दिया। तुम वृंदावन जाने के अभी योग्य नहीं है, तुम्हें अभी कृष्ण पर भरोसा नहीं है, तुम्हें पैसे पे भरोसा है, तो जाओ वापस जाओ, तो पैसा कमाओ, जब वापस भेज दिया। इतना सहज नहीं है, रोता रह गया, मुझे ले जाओ ले जाओ, ना ना तुम तो दुस्संग है, तू तो जाओ यहां से जाओ। तो तब चैतन्य महाप्रभु जी के पास पहुंचे और जो वेश देखा मुसलमानों जैसे, महाप्रभु ने कहा कि वैष्णव वेश बना के आओ। बना के आए तो देखा बड़े महंगे कंबल ओढ़ रखे जो उनके रिश्तेदारों ने दिया था मामा जी के कोई किसी। तो महाप्रभु जी केवल देखा बस, ऐसे ऐसे ऐसे, कुछ कहा नहीं, किंतु कृपा पात्र होने के कारण उनके भावना को समझ लिया, हाँ इनको पसंद नहीं। तो गंगा के तीर में गए, कोई व्यक्ति बैठा हुआ था भिखारी, उसको उन्होंने उस चीज दी। फिर तब जा करके मणिकर्णिका घाट में, तब जा करके लंबे समय तक महाप्रभु ने उनको तब शिक्षा दिया। प्रश्न पूछा सनातन गोस्वामी पाद जी कि अमी के केनो अमी जा रहे तापत्र, मैं कौन हूं और मुझे ये त्रिताप क्यों दग्धीभूत कर रहा। पूज्यपाद श्री त्रिभुवन गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, ये क्या पागल है, अरे आप तो प्रधानमंत्री हैं, क्या आपको नहीं पता मैं कौन हूं, फिर क्यों पूछ रहे मैं कौन हूं। कौन पूछता है मैं कौन हूं, पागल ही तो पूछेगा ना, प्रभु आप बता दो मैं कौन है। कितने सनातन गोस्वामी पाद जी ने पूछा किसको, चैतन्य महाप्रभु जी को, आप कृपा करके बतलाएं कि मैं कौन हूं। तब महाप्रभु जी ने उनको सनातन शिक्षा सुनाया, फिर तब जाके वृंदावन वो आए। वृंदावन में रूप गोस्वामी पाद जी के साथ मिलकर उन्होंने भजन किया, ऐसा दिव्य भजन किया, न भूतो न भविष्य। प्रतिदिन 20 किलोमीटर जो है गोवर्धन जाते थे, वहाँ 20-21 किलोमीटर परिक्रमा करते थे, फिर वापस 20 किलोमीटर मथुरा आते थे, फिर मथुरा में माधुकरी करके फिर वापस 10 किलोमीटर 7-8-10 किलोमीटर फिर वृंदावन आते थे। ऐसे 70-80 किलोमीटर प्रतिदिन का जाना आना, गर्मी क्या, बारिश क्या, सर्दी क्या, और बिल्कुल वृद्धावस्था में भी किया। और किसी दिन जो है बेहोश होके जब गिरे, कृष्ण से देखा नहीं गया, तो कृपा करके गोवर्धन शिला जिसमें चरण चिन्ह है और ये वंशी का चिन्ह है, गायों के चरणों के चिन्ह है, उसको प्रदान किया और बोला कि इसको 4 बार तुम लगाओ तो गोवर्धन, तो गिरिराज जी के परिक्रमा लगाने का फल मिलेगा। तो मैं कह रहा था ये बात
ये किसके लिए कहा? मेरे लिए तो नहीं कहा, ये सनातन गोस्वामी पाद जी के लिए कहा। और मैं भी शॉर्टकट मारूंगा तो इतना इजी नहीं है, इतना इजी नहीं है। तो मैं यहाँ जार लगा दूंगा फिर वो सब मिल जाएगा। इतना इजी होता तो सभी यही लगा देते ना। वो सनातन गोस्वामी पाद जी के लिए भगवान ने कहा, ठीक है। तो इसीलिए सनातन गोस्वामी पाद जी का बहुत जीवन ही है, बहुत शिक्षाएं हैं। आज उनकी तिरुभाव तिथि, पूरे ब्रज के सारे लोगों को सनातन गोस्वामी पाद जी ने एकदम से प्रेम से बांध लिया। सभी लोग उनको बड़े बाबा कह के बुलाते थे। जब इस पूर्णिमा के दिन जब वो अप्रकट लीला उन्होंने प्रकाशित किया, सारे ब्रज के लोग जुड़ गए और बड़े बाबा कह कर के बड़े रोने लगे। और सनातन गोस्वामी पाद जी के स्मृति में मानो पिता की तरह सबने सर मुड़मुड़ा लिया। और जैसा वो प्रतिदिन गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे, सारे ब्रजवासी लोग मिलके गिरिराज जी की परिक्रमा किया, तभी से स्थिति का दूसरा नाम भी फिर पड़ गया, मुड़िया पूनम। मुड़िया माने मुड़मुड़ाना, यानी मुंडन कर ले। और पूनम माने पूर्णिमा। आज के दिन गिरिराज जी में पैर नहीं रख सकते हो आप, एक पैर रखने का जगह नहीं। करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोग पूरे गांव से आते हैं। मथुरा के लोग कोई नहीं जाता, वो सब बाहर से आते हैं, ट्रेन में चढ़ के, ऊपर बैठ के, बस में लटक के, बड़े मुश्किल करके सारा आज के दिन। तो मतलब कल सुबह तक मतलब गोवर्धन जा ही नहीं पा, इतना प्रेम आज तक चल रहा वो प्रथा। सनातन गोस्वामी पाद जी की स्थिति को सभी मुड़मुड़ाते हुए, कितने कालक्रम से लोग उसको भूल गए, बस केवल मुड़मुड़ा लिया। बस क्यों मुड़मुड़ाया वो कारण ही भूल गए, किंतु सनातन गोस्वामी पाद जी की। और साथ में जो है जो गुरु महाराज जी के प्रिय श्री पूज्य पाद भक्ति वेदांत श्री तीर्थ महाराज जी का भी आज जो है शुभ आविर्भाव तिथि है। और तो सुबह भी मैंने कहा था कि हम लोग जो है 25 तारीख को जुलाई महाराज जी के विरह तिथि को हम लोग मनाएंगे यहाँ पर। महाराज जी ये IGBT के पे प्रेसिडेंट रहे हैं, तो इसलिए महाराज जी के सम्मान में हम लोग 25 तारीख विरह तिथि मनाएंगे। तब महाराज जी के बारे में हम लोग विस्तार से हम लोग सुनेंगे। दोपहर का कार्यक्रम होगा उस दिन 25 तारीख को, 11 बजे से जो है कीर्तन, 12 बजे से कथा, उसके बाद 1 बजे जो है पुष्पांजलि, भोगारती और प्रसाद 2 बजे तक सबके लिए होगा। तो तब हम लोग जो है विस्तार से महाराज जी की निष्ठा, सेवा इत्यादि के बारे में सुनेंगे। और यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ वो श्री गुरु महाराज जी के निकट। हाँ, एक और चीज रह गया, हम लोग सुबह भी इस चीज को सुना, इस गुरु पूर्णिमा तिथि में गुरु की पूजा का मतलब क्या? तो श्री गुरु महाराज जी कृपा करके इस बात को समझा रहे थे। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा का मतलब केवल मेरे गुरु तक सीमित नहीं है चीज। गुरु पूर्णिमा में गुरु की पूजा का मतलब है गुरु से लेकर के गुरु परंपरा को लेकर के कृष्ण के चरणों तक जोड़ने की जो तिथि है उसी को गुरु पूर्णिमा कहेंगे। केवल मेरा ही गुरु, मेरी ही चीजें, तो फिर वो ना वो गुरु पूजा है ना वो गुरु पूर्णिमा फिर मनाना। परंपरा के साथ जुड़ना, जैसा एक लड़की का विवाह हुआ तो क्या केवल पति के साथ संबंध है बस? पूरे खानदान के साथ संबंध है कि नहीं? ये ऐसे ही है। यहां भी यदि आप गुरु का चरणाचरण लेते हो केवल बस मेरे तो श्री गुरु, बाकी कोई, ये मतलब नहीं। पूरे खानदान सबके साथ रिश्ता, और यहां से लेकर के पूरी परंपरा गोस्वामी महाप्रभु, फिर मतलब जो वो मध्वाचार्य के लेकर के फिर श्री वेद
वेद व्याधि से लेकर के कृष्ण के चरणों तक पूरे लाइन के साथ संबंध है। तो गुरु पूजा हुआ तभी श्री गुरु महाराज जी कह रहे थे श्री भक्तों ठाकुर जी लोग इस चीज को ना भूल जाए, इसलिए श्री गुरु पूर्णिमा के दिन सप्त पंचक व्यास पंचक के नाम से इसकी पूजा करवाते थे। हैं पांच पांच करके सात ग्रुप में जो हमारी परंपरा में मुख्य मुख्य जो लोग हैं उन सब की पूजा करवाते थे, विशेष करके गुरु, परम गुरु, परमेष्टी गुरु, परात्पर गुरु, परम परात्पर गुरु करके पूरी परंपरा का इस प्रकार से जो है पूजा किया जाता। तो इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा गुरु हमें परंपरा के साथ जोड़ते हैं, संपूर्ण परंपरा के साथ, इसलिए प्रतिदिन हमें इस परंपरा को याद करना चाहिए। पूरे खानदान है हमारा ब्रह्म संप्रदाय, क्या हमारा ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय है, संप्रदाय है पूरा कृष्ण से चला आ रहा चीजें, कोई व्यक्तिगत रूप से बीच में से कोई निकल के नहीं आ गया। कृष्ण ने अपनी संपत्ति को ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद ऋषि को दिया, नारद ऋषि ने व्यास जी को दिया, व्यास जी ने जो है कालक्रम से श्री मध्वाचार्य को दिया, मध्वाचार्य ने शिष्य प्रशिष्य के माध्यम से श्री जयतीर्थ दी, श्री वेद व्यास दी, श्री व्यास तीर्थ जी लक्ष्मीपति इत्यादि के माध्यम से चलते चलते माधवेंद्र पुरीपाद जी को दिया। माधवेंद्र पुरीपाद जी ने उसमें थोड़ा सा प्रेम भक्ति को जोड़ करके, व्रज भक्ति को जोड़ करके उन्होंने ईश्वर पुरीपाद जी को दिया। ईश्वर पुरीपाद जी ने जबकि चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं श्री भगवान फिर भी शिक्षा दिया कि बिना गुरु के प्रेम की प्राप्ति संभव पर नहीं है, तो स्वयं गुरुकरण स्वीकार करके उस प्रेम भक्ति को प्राप्त करने की लीला उन्होंने प्रकाशित की। फिर महाप्रभु ने छह गोस्वामियों को, उन्होंने फिर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, उन्होंने कृष्णदास कविदास गोस्वामी पाद, फिर उन्होंने जो है नरोत्तम श्रीनिवास आचार्य श्यामानंद पू, फिर उन्होंने जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, फिर उन्होंने जो है श्री बलदेव विद्याभूषण पाद, फिर वे जो है जगन्नाथ बाबा जी महाराज, फिर भक्तों ठाकुर, फिर श्री गौर किशोर बाबा जी महाराज, फिर श्रील प्रभुपा, और प्रभुपा जी की धारा में बहुत सारे शाखा प्रशाखा प्रसारित हुए, फिर उन शाखा में फिर प्रशाखा हुए बहुत सारे। तो इस क्रम से जो है पूरी परंपरा के साथ हमारा संबंध किसी व्यक्तिगत के साथ नहीं है, ठीक है, तब जाके वास्तव में गुरु पूजा संपन्न होता है, ऐसा श्री गुरु महाराज जी हम लोगों को शिक्षा देते हैं। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। कल सबने बोल दिया, कल बहुत सारे नवीन नवीन सबने बोला, बहुत सारे गौर सुंदर, हरे कृष्ण गौर सुंदर, आ जा इधर पाँच मिनट में बोल दो, श्यामानंद तुम भी पाँच मिनट बोल देना, आ जा कोई कोई भी आ जा, आ जा फटाफट खड़े हो जाओ, दूसरे में आएगी दे दे फटाफट दे दे, जल्दी 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 जा, हाँ वहीं खड़े रहो। सप्त तेज गुरुपाद पद्म ओम विष्णु
पर सूत्र सदर श्री श्रीमद भक्तिवेदांत शिशिर गोस्वामी गुरु महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनके हेतु कृपा वांछा करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव वर्ग नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाल सूत्र सदर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाल सूत्र सदर श्री श्रीमद भक्ति श्रील सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनके हेतु कृपा वांछा करता हूँ। रूपानुगढ़ गुरुवर्ग सोपाल सदर सपरिवर्ति गोल नित्यानंद प्रभु श्री राधा विनोद बिहारी जी रमन बिहारी जी चरण साष्टम दंडवत प्रणाम। उपस्थित परम पूज्य पाति दंड स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वेदांत पद्मनाभ महाराज जी समस्त वैष्णव वृंद वैष्णवी वृंद भक्त वृंद सबके चरण में अधम का यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज एक विशेष तिथि है, प्रातःकाल से ही हम श्रवण कर रहे हैं कि हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं, हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं कि गुरुदेव के सान्निध्य प्राप्त कर रहे हैं। वैष्णव के आनुगत्य में हम इस गुरु पूर्णिमा उत्सव को बड़ा विशेष रूप में मना पा रहे हैं, इसलिए हम बड़े सौभाग्यवान हैं। तो किसी को पूछो भाई क्या सौभाग्यवान है, क्या सौभाग्यवान है। एक समय मथुरा में परम गुरुदेव के पास कोई एक व्यक्ति आया, कोई एक जैसे मजदूरी करने वाले व्यक्ति आया, तो गुरु पूर्णिमा में सब लोग आते थे, तो वो भी आ गया गुरुजी को परम गुरुदेव को देखने के लिए। तो परम गुरुदेव को देखते ही उसने प्रणाम किया और परम गुरुदेव बोले तुम बड़े सौभाग्यवान हो। अब बताओ उसने फटे हुए कपड़े पहन रखा है, दिन भर मजदूरी कर रहा है और परम गुरुदेव उसको कह रहे हैं तुम बड़े सौभाग्यवान हो। तो बोले कि क्या मेरे आप उपहास कर रहे हो। तो परम गुरुदेव बात कह रहे हैं कि तुम कितने सौभाग्यवान हो तुम इस चीज को अभी नहीं समझ सकते। वास्तव में तुम कितने सौभाग्यवान हो कि तुम इस चीज को अभी नहीं समझ सकते। बोले क्यों नहीं समझ सकते, क्योंकि तुम्हें एक तो मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया और उसमें भी ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज कि ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते जीव अनंत जन्म तक भ्रमण करते करते उसको कभी किसी जन्म में सद्गुरु का दर्शन हो जाता है और कभी कभी उसको गुरुदेव कृपा करके मंत्र आदि दीक्षा आदि प्रदान करते हैं और वो हृदय में उसको भक्ति लता का एक बीज दे देते हैं। इसलिए बोल रहे कि तुम कितने सौभाग्यवान हो इस बात को तुम अभी नहीं समझ सकते। तो ये हम लोगों का ऐसा स्थिति है, हम लोग यहाँ पे सुबह से प्रातःकाल से लेके और बड़े उत्साह से हम यहाँ पे बैठे हैं, हम कितने वास्तव में सौभाग्यवान है इस चीज़ को हम अभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हम वास्तव में बड़े सौभाग्यवान है कि हम गुरुपाद पद्म के सान्निध्य में गुरु पूर्णिमा के दिन उनके आनुगत्य में वैष्णव के आनुगत्य में बैठे हैं, इससे बड़ा सौभाग्यवान और हम नहीं हो सकते। आज भगवान श्री वेद व्यास जी के भी शुभ आविर्भाव तिथि है और भगवान के जो छह प्रकार का अवतार होते हैं उसमें जो सत्यावेश अवतार होते हैं ये साक्षात वेद व्यास जी हैं। साधारणतः जगत में देखा जाता है कि एक शिष्य अपने गुरु के महिमा को वर्णन करते हैं, एक शिष्य अपने गुरु के महिमा को वर्णन करते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत ग्रंथ में और कई अन्य एक पद्म पुराण स्कंद पुराण में कई एक एक प्रसंग में देखा गया कि गुरु अपने शिष्य को महिमा को वर्णन कर रहे हैं। जैसे कि देखा जाता है कि प्रहलाद महाराज जी को महिमा को वर्णन किसने किए, बोले नारद जी ने। प्रहलाद महाराज कौन है, बोले ये शिष्य हैं और नारद जी स्वयं गुरु होते हुए भी ये प्रहलाद भागवत जी में प्रहलाद महाराज जी को चरित्र को वर्णन करते हैं, वर्णन कर रहे हैं और अहो कितने बार उसमें वर्णन कर रहे कि अहो शब्द को उच्चारण करते कि बड़े आश्चर्यचकित हो रहे हैं और अपने शिष्य के गुणगान करते हुए वो बड़े धन्य हो रहे हैं। तो एक जगह पे पद्म पुराण में एक स्तुति में नारद जी ये व्यास जी के स्वयं गुरु होते हुए भी एक जगह पे नारद जी उनको स्तुति करते हुए एक जगह पे उनको महिमा को वर्णन कर रहे हैं कि अचतुर बदनो ब्रह्मा द्विबाहु पुरोर हरि अभाल लोचनम शंभु भगवान बादरायण। व्यास जी के महिमा को वर्णन कर रहे हैं अचतुर बदनो ब्रह्मा। जैसे हम शास्त्र में एक श्लोक है, आप लोग प्राय तो इस श्लोक को विशेष करके जानते होंगे,
कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरो गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमो। गुरु ब्रह्मा के स्वरूप है, गुरुदेव नारायण के जैसे हैं और गुरुदेव शिव जी के जैसे हैं। तो इसी श्लोक के माध्यम से नारद जी कह रहे हैं कि अचतुर मुखो ब्रह्मा, भगवान व्यास जी के ब्रह्मा जैसा चार मुख नहीं है, भगवान व्यास जी के एक मुख है, फिर भी वो ब्रह्मा जी के काम करते हैं। भले क्या काम करते हैं? ब्रह्मा जी ने इस जगत में सबसे पहले वेद का, ब्रह्मा जी के मुख से वेद का निःसृत हुआ, भगवान ने सबसे पहले इस ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा जी से वेद का सृष्टि होता है। लेकिन उसी वेद को विस्तार रहती, इनका नाम ही व्यास इसलिए हुआ कि इन्होंने सारे वेद, एक वेद को विस्तार करके, पहले तो एक वेद था उसको विस्तार करके चार वेद कर लिया, इसीलिए इनका नाम व्यास हुआ। तो बता रहे हैं कि ये ब्रह्मा जी के समान है। बोले क्या? ना ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, लेकिन इनका सृष्टि देखो, ब्रह्मा का सृष्टि क्या होता है? प्रलय काल में वो विनाश हो जाएगा, लेकिन भगवान व्यास जी का जो, वेद व्यास जी का जो सृष्टि है वो कभी प्रलय काल में कभी विनाश नहीं होता। वो इस प्रकार का ज्ञान का सृष्टि करते हैं, इस प्रकार का हृदय में, साधक के हृदय में भक्ति, साधक के हृदय में वैराग्य, ज्ञान का इसी मात्रा में सृष्टि करते हैं जो अंतिम काल तक भी उसका कभी भी नष्ट नहीं होता, इसलिए वो ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ है, इसलिए वो ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ है। तो बता रहे हैं कि द्विबाहु पुरोर हरि, भगवान नारायण के चार भुजाएं हैं, लेकिन वेद व्यास जी के दो भुजाएं हैं, चार भुजाएं उनके नहीं हैं, फिर भी वो पुष्टि करते हैं, पालन पोषण करते हैं। तो बता रहे हैं कि पोषण भी दो तरीके के होता है, एक है अन्नगत पोषण व शारीरिक पोषण, जो शरीर को जो पोषण करते हैं, और दो नंबर का जो पोषण है कथा कीर्तन के माध्यम से अंतकरण की पोषण करना। तो एक पोषण में देखा जाए तो बता रहे हैं कि भगवान विश्वंभर हैं, इसलिए पूरा जगत के भरण पोषण करते हैं, लेकिन वेद व्यास जी भी पोषण करते हैं। बोले कैसे? अपने पुराणों के माध्यम से, अपने रचनाओं के माध्यम से, उपनिषद के माध्यम से जो शिक्षा देते हैं, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का क्यों ना हो, चाहे वो गणपत्य हो, शैव हो, और अन्य अन्य संप्रदाय के हो, या हमारे वैष्णव संप्रदाय के हो, सब के सब वाणी वेद व्यास जी से ही उनके आराध्य, उनके उपासक निकलते हैं, उनके ही वाणी है वेद व्यास जी के। इसीलिए इनके जो पोषण है, ये भक्ति के, ये जो साधक के हृदय में क्या करते हैं, ये भक्ति रूपी उस ज्ञान वैराग्य को पोषण करते हैं, अपने लेखने के माध्यम से ये क्या करते हैं, साधक को एक दिशा दिखा देते हैं कि किस प्रकार हम इस जगत में भटके हुए हैं और भगवान को हम किस प्रकार प्राप्त कर सकें, एक माध्यम, एक रास्ता दिखा देते हैं और जीव को पोषण करते हैं। तो देखो, भगवान विष्णु जो पोषण करते हैं उसमें क्या होता है, एक बार खा लोगे तो दूसरे बार उसको भूख लगेगा, एक बार पी जाओगे तो दूसरे बार उसको प्यास लगेगा, कोई बिना खाए मर रहा है और कोई खा खा के मर रहा है, तो किसी के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और किसी के पास इतना है कि वो खा ही नहीं पा रहा है, और वो सब नश्वर है। लेकिन देखो, व्यास जी का पोषण इस प्रकार का है, एक बार अगर हृदय में कोई अगर निश्चित कर लिया कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण ही सब कुछ हैं और हम कृष्ण के वास्तव में कृष्ण के दास हैं, एक बार अगर उसके हृदय में ये अगर आ गया तो निश्चित रूप में वो भगवान के धाम में जाएगा, और जिस भगवान के धाम में जाकर जद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परम मम, वहाँ जाने के बाद और इस जगत में नहीं आएगा। इसीलिए भगवान विष्णु के पोषण से भी जो श्रेष्ठ पोषण कार्य करते हैं वो व्यास जी करते हैं। बोले अवाल रोचनम शंभु, हमारा दो आँख है, लेकिन शिव जी में एक विशेषता है। बोले शिव जी में क्या? ना अवहाल, उनके जो कपोल, उनके जो माथे पे, भाल पे एक और लोचन है, तीसरा लोचन है, लेकिन भगवान वेद व्यास जी का तीसरा लोचन नहीं है, फिर भी वो शिव जी के कार्य करते हैं। बोले शिव जी क्या करते हैं? संहार करते हैं, शिव जी संहार के कार्य करते हैं। बोले वेद व्यास जी भी संहार करते हैं, बड़े बड़े कुसिद्धांत अपसिद्धांत को, श्रीमद् भागवत जैसे महापुराण को ग्रंथ की रचना, अभी महाराज जी कह रहे थे ना कि ये भागवत ग्रंथ किस प्रकार हमें
एक दिशा मिल गया है कि इसके आश्रय से हम कैसे सारे चीज को हम जान पाएंगे। तो श्रीमद् भागवत के माध्यम से उन्होंने सारे अपसंप्रदाय सारे चीज को उन्होंने खंडन किया। बोले साधु क्या करते हैं, साधु एक तरीके से संत एवात्म चिंतन्ति मनोव्यास उक्तिवी। साधु क्या करते हैं, संत क्या करते हैं कि इन्होंने ये जो जितने भी प्रकार का अपसंप्रदाय है, जितने प्रकार का कुतर्क है, इनको अपने लेखनी के माध्यम से इसको क्या करते हैं, खंडन कर देते हैं। हमारे परम गुरुदेव नित्यलीला श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी, हमने गुरु वैष्णव के मुखारविंद से सुना है कि कभी किसी समय अगर कोई अपसिद्धांत लिख दिए कि अपसिद्धांत का प्रचार हो गया, तो परम गुरुदेव वहाँ बिना डरे खड़े होके उस सिद्धांत को खंडन कर देते थे। और खंडन तो ऐसे करते थे और फिर भी अगर और कुछ आवश्यक पड़े तो लिखने के माध्यम से, उनका देखना मायावादी खंडन है, बहुत सारे उनका ऐसे आर्टिकल्स के माध्यम से परम गुरुदेव खंडन किया करते थे। तो ये क्या करते हैं, व्यास जी भी जीव के हृदय में जो अज्ञान रूपी मोह काम क्रोध लोभ मोह ये सब जीव के हृदय में अनर्थ है, ये सब को धीरे धीरे ये वेद व्यास जी क्या करते हैं, खंडन करते हैं अपने पुराणों के माध्यम से, अपने लिखने के माध्यम से, अपने उपदेश के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से हृदय में ये खंडन कर देते हैं। भगवान बादरायण, इस प्रकार आज ये वेद व्यास जी का ये तिथि है। तो इस व्यास जी से और एक अगर सिमिलरली हम देखेंगे तो एक चीज बढ़िया दिखाई देगा कि गुरु वैष्णव लोग बोलते हैं कि हमारे गौड़ीय वेदांत समिति में 3 स्तंभ हैं। हमारे गौड़ीय वेदांत समिति में 3 स्तंभ है, एक पूज्यपाद श्री श्रीमद् भक्तिवत्सल बामन गोस्वामी महाराज जी, एक पूज्यपाद श्री श्रीमद् भक्तिवत्सल नारायण गोस्वामी महाराज जी और एक श्री श्रीमद् भक्ति वेदांतल त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी। इनको भी ब्रह्मा विष्णु और महेश के कार्य बताया गया है कि ये भक्तिवत्सल बामन गोस्वामी महाराज जी ये ब्रह्मा के कार्य करते हैं। बोले क्यों, सृष्टि करते हैं, ये सृष्टि करते हैं, हर समय सृष्टि करते हैं, मतलब ये शिष्य को दीक्षा प्रदान आदि करके शिष्य के हृदय में सबसे पहले वो मंत्र प्रदान करते हैं और सृष्टि का कार्य करते हैं। बोले परम गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्तिवत्सल नारायण गोस्वामी महाराज जी ये क्या करते थे, ये संहार कार्य करते थे, ये पालन कार्य करते थे, सॉरी। तो पालन मतलब, पालन यानी पूरा शिष्य को हृदय में उस कथा कीर्तन श्रवण कराते उसके हृदय में पूरा जब तक भक्ति ना हो तब तक परम गुरुदेव किसी को छोड़ते ही नहीं। और पूज्यपाद श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी ये संहार का कार्य करते थे। कोई अपसिद्धांत देख लिया तो अपसिद्धांत देखते ही तुरंत खंडन कर देते थे पूज्यपाद श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी। तो किसी समय व्यंग पूर्वक श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी कहा करते थे कि बावन गोस्वामी महाराज जी तो खुद बच्चे पैदा कर देते हैं और इनके मलमूत्र साफ करने के लिए मुझे दे देते, बोलते हैं इनके मलमूत्र साफ करने के लिए मुझे दे दे, इनके काम क्रोध लोभ मोह को सब अनर्थ को दूर करने के लिए मुझे दे देते हैं, ये व्यंग पूर्वक परम गुरुदेव कहा करते थे। और भक्तिवत्सल त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी एक दृष्टांत में श्रवण करेंगे कि देवानंद गौड़ीय मठ किसी समय ग्रहण था, तो ग्रहण के समय में सब लोग गंगा स्नान करने जा रहे थे, तो पूज्यपाद भक्तिवत्सल त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी जो नरहरि तोरण के सामने डंडे लेके खड़े होकर बोल रहे हैं, अरे ग्रहण के समय में तो हरिनाम कीर्तन करना चाहिए, हरि कीर्तन और भगवान के नाम के कीर्तन का इतना प्रभाव है कि गंगा तीर्थ कुर्वन्ती तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदाद्रिता, अरे तीर्थ तो वहाँ की तीर्थ में जाके स्नान करने के बाद ही उस फल प्राप्त होगा, लेकिन तुम यहाँ बैठे बैठे अगर हरिनाम कीर्तन करोगे तो साक्षात गंगा यमुना अनंत कोटि जितने भी अरब खरब तीर्थ हैं यहाँ आके उपस्थित हो जाएंगे। तो इस प्रकार वो क्या करते थे, शास्त्र के हृदय को जो शास्त्र के भाव को शास्त्र के जो जितने भी प्रकार के गूढ़ रहस्य को शिष्य के हृदय में इस प्रकार दे देते थे कि शिष्य के हृदय में कोई अपसिद्धांत अपतर्क नहीं रह जाता था। तो आज विशेष करके गुरु पूर्णिमा है और एक के बाद में हर शिष्य के सौभाग्य होता है कि अपने अपने गुरु महाराज जी के बारे में थोड़ा बताए, तो मैं भी गुरुदेव के बारे में थोड़ा बताता हूँ कि मेरे गुरु पाद पद्म भी ये 3 कार्य करते हैं, सृष्टि भी करते हैं, पालन भी करते हैं और संहार भी करते हैं, ये मेरे गुरु पाद पद्म करते हैं। तो देखो सृष्टि कैसे करते हैं,
एक घटना बता देता हूँ, ऐसे तो बहुत सारा उदाहरण है। एक समय मैं नए नए जब आया था तब गोवर्धन में परिक्रमा चल रहा था, तो परिक्रमा के बीच में कोई एक व्यक्ति दो दिन हुआ नहीं आया तो गुरुदेव के पास जैसे ही आए तो गुरुदेव ने उसको देखे और मुझे चिकनपू थे तो बोल रहे हैं कि अरे इसको अभी दीक्षा दे देंगे, कार्तिक पूर्णमी अभी आ रहे हैं, दीक्षा दे देंगे। तो मैंने पूछा गुरु महाराज जी तो अभी आया है, दो दिन पहले दीक्षा दे, इसको क्या दे दे। तो गुरुदेव बोलते हैं अरे मैं नहीं दूंगा तो और कौन देगा, इसका उद्धार अगर मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा। ऐसे गुरुपाद पद्म सृष्टि करते हैं, ऐसे गुरुपाद पद्म सृष्टि करते हैं। हम एक जगह पे प्रचार में गुरु महाराज के साथ जा रहे थे, कोई एक व्यक्ति अंतिम समय में दौड़ते हुए आया, हापुड़ के शायद बात है, तो गुरुदेव कह रहे हैं बैग से तुरंत बोल रहे हैं कि गाड़ी रोक करके तुरंत बोल रहे हैं कि हरिनाम निकालो और इसको दो, क्योंकि हम पता नहीं कब आएंगे और भी पता नहीं कब रहे ना रहे और इसका उद्धार ना हो पाए। तो ऐसे गुरुपाद पद्म जगत में शायद दुर्लभ मिलते हैं, जो भूत प्रेत को भी हरिनाम देते हैं। एक समय की बात है, मोहन नगर में किसी को एक भूत लग गया था, तो भूत कह रहा था कि गुरु महाराज जी मुझे नरक नहीं जाना है। प्रत्यक्ष घटना है, आप शायद विश्वास नहीं कर सकते लेकिन ये प्रत्यक्ष घटना है। तो भूत कह रहा है कि मुझे नरक नहीं जाना है, तो गुरु महाराज जी उसको अभी हरिनाम देके उद्धारण किए। इस जगत में तो उद्धार करते ही हैं और परलोक उस जगत के भी जो भूत प्रेत को भी उद्धार करने वाले, सृष्टि करने वाले, ये मेरे गुरुपाद पद्म है। और ये क्या करते हैं, बोले पालन करते हैं, ये पालन करते हैं। हमने नवदीप धाम परिक्रमा में देखे हैं, कार्तिक ब्रजमंडल परिक्रमा में देखे हैं, झूला आदि उत्सव में देखते हैं कि गुरुदेव रात रात तक दिन दिन भर पूरा इधर उधर भागे दौड़े इधर उधर चलते रहते हैं, और शाम शाम दिन भर रात भर पूरा ये सोचते रहते हैं कि कौन भक्त आ गए, किसको प्रसाद देना है, किसको कहाँ पे रुकवाना है, किसको किस स्थान पे। आप सबका अनुभूति होगा, पर्सनल अनुभूति होगा, आप सब लोग निश्चित रूप में ये जानते होंगे कि कितना गुरुदेव उस चीज़ को विशेष रूप में ध्यान देते हैं और कथा में कितना आविष्ट रहते हैं। कि गुरुदेव बोलते हैं कि मैं एक बार मैंने मेडिसिन देने के लिए गया तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि ये लोग अभी सरिता दीदी बस लेके आई थी, चंदन यात्रा की टाइम था, तो गुरुदेव मुझे डांट करके बोल रहे हैं अरे मेडिसिन तो कितने बार भी मैं खा लूंगा, हर समय मेडिसिन खाता रहता हूँ, इनको थोड़ा मैं अभी कथा सुना देता हूँ और कथा से वास्तव इनका पालन होगा। ये गुरुपाद पद्म का ये विशेष पालन है कि कितने भी बिजी शेड्यूल परिस्थिति में सबका विशेष करके ध्यान रखते हैं और सबका विशेष करके कथा हरी कथा से उसी मात्रा में ही पालन करते हैं और श्रृंगार भी करते हैं। और श्रृंगार भी क्या करते हैं, बोले नहीं जहाँ पे अपसिद्धांत देखे वहाँ पे खड़े होके तुरंत बोले ये नहीं करना चाहिए। एक समय बड़ोद मठ में बलदेव प्रभु का मोर पंख दिया गया था और उसी समय पता नहीं उस समय कोई एक ब्रह्मचारी बलदेव प्रभु को मोर पंख दिया था, तो गुरुदेव प्रणाम करते देखते बोले एक बलदेव प्रभु को ये मोर पंख किसने दिया। फिर गुरु महाराज ने बताने लगे, बोले ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक समय गौर सुंदर प्रभु और मैं बड़ोद मठ में श्रृंगार किए और कृष्ण को मोर पंख ना उल्टा साइड में दे दिए, तो गुरु महाराज जी सुबह सुबह मंगला आरती में आए देखे और सुबह सुबह मंगला आरती में ये बोल रहे हैं अरे सुख सारी संवाद में ये है हमारे वही कृष्ण आराध्य है जिनका मोर पंख राधा रानी की तरफ झुके हुए है, तुम उल्टा तरफ में दे दिए हो। हाँ, तो एक एक जो शास्त्र के जितने भी एक तो बहुत सारे दृष्टांत है। और गुरु महाराज जी के मैंने नवदीप में भी बड़े गुस्से वाले स्वरूप देखा, हमारे एक गुरु भाई है नाम नहीं लूंगा, उनको पिटाई कर रहे हैं, तो हम लोग पीछे पीछे एक दो थे तो हमारा हाथ पैर कांप रहा है, ये राधा रमन प्रभु भी थे, तो मैं बोल रहा ये बोल रहा है कि अरे कांपो मत मुझे भी पिटाई हुआ है। बोले कुछ इस प्रकार, कुछ इस प्रकार अगर अपसिद्धांत तो कुछ इस प्रकार खराब चीज देखते ना तो गुरु महाराज जी उसको तुरंत, गुरु महाराज जी उसको क्या करते हैं तुरंत उसमें खंडन कर देते हैं। इसलिए मेरे गुरु पाद पद्म भी सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और श्रृंगार करते हैं। मैं उनके चरणों में यही प्रणाम करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार, और एक बात है कि बलदेव प्रभु ने विशेष करके दो असुर को वध किया, एक है गर्दभासुर तालवन में उनको वध किया और दूसरा है प्रलम्बासुर। बोले गर्दभासुर गधे के रूप धारण करके आया था और बलदेव प्रभु के ऊपर दोलती मार दिया, बलदेव प्रभु ने उसको पैर को जोर से पकड़ के ऐसे घुमाया कि पूरा तालवन नष्ट हो गया, पूरा तालवन नष्ट हो गया।
तो ये गर्दवासुर अज्ञानता का स्वरूप है जिसको गुरु गुरु तत्व साक्षात बलदेव प्रभु ने खंडन करते हैं। गुरु तत्व साक्षात इस अज्ञान को दूर करते हैं, इसलिए हम रोज उसी श्लोक को हम लोग शायद मंगलाचल में पाठ करते हैं, अज्ञानम तिमिरम दश्य ज्ञानांजन शलाकया, कि हे गुरुदेव आप अज्ञान रूप के जो अंधकार को नष्ट करके ज्ञान रूप के अंजन हमारे आंखों में आप लगाए हो। तो इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं देखो कि बलदेव प्रभु ने जैसे करके भी वहाँ मारा तो जितने भी ताल था वो सारे ताल को क्या किया ना ब्रजवासी को सेवा में लगा दिया, सखा के सखियों के कृष्ण को दे दिया। लेकिन जो कपटा के कपट के स्वरूप में आए थे, बोले कौन ये कपट स्वरूप में आया था, ये प्रलंबासुर, ये कृष्ण के सखा के रूप धारण कर लिया और बलदेव प्रभु के बलदेव प्रभु को ऊपर ये बलदेव प्रभु को अपने ऊपर बिठा करके दौड़ दौड़ करके भाग के ले जा रहा था। तो बलदेव प्रभु ने ये प्रलंबासुर को भी वध किया और वध करने के बाद कपटता को नष्ट किया। तो कपटता को क्यों नष्ट किया बलदेव प्रभु ने, तो बता रहे हैं कि कपट को इसलिए नष्ट किया कि भक्तिनोद ठाकुर कहते हैं कपटता हले दूर प्रवेश प्रेमेरे पूरा जीवेर हृदय धन्य करे अतएव बहु जतने अनिवार प्रेम रत्ने कापट्य राख अति दूरे, कि जब तक जीव के हृदय में ये कपट रहेगा कपट स्वभाव रहेगा, कपट स्वभाव यानी बाहर कुछ और अंदर कुछ, जब तक जीव के हृदय में इस प्रकार का भाव रहेगा तब तक चाहे कुछ भी वो गुरु कुछ भी कर ले गुरुदेव के, चाहे कितने भी सेवा कर ले उसके हृदय अंतकरण कभी शुद्ध नहीं होगा और उसमें ठाकुर जी कभी विराजमान नहीं बैठ सकते। इसीलिए कपट को दूर करना पड़ेगा, इसीलिए बलदेव प्रभु ने कपट को सबसे पहले क्या किए, ये कपट को बंद किए, गुरु तत्व इस कपट का नाश करते हैं, अज्ञान का नाश करते हैं। लेकिन इसमें एक विशेष शिक्षा देने वाली बात है कि प्रलंबासुर को बध करने के बाद उसके शरीर को सेवा में नहीं लगाया, लेकिन धेनुकासुर को गंधवासुर को बध करने बाद भगवान बलदेव प्रभु ने क्या किया ना सारे ताल को ब्रजवासी के सेवा में लगाया। बोले क्यों, क्योंकि गुरुदेव पति तपावन है, कपटी पावन नहीं है। गुरुदेव क्या है, पति तपावन है, ये गंधवासुर ये पति था इसलिए इसको उद्धार किए, लेकिन ये कपटी था इसलिए इसको उद्धार नहीं किए। लेकिन हमारे गुरुपाद पद्म उससे भी श्रेष्ठ हैं। बोले क्या है, बोले हमारे गुरुपाद पद्म ये कपटियों को भी पावन करते हैं। बोले एक बात बता रहा हूँ, एक अनुभूति की बात है कि एक समय हम बड़ौद में थे तो कोई व्यक्ति कुछ कर लिया था जो हम प्रकाश नहीं कर सकते, तो गुरुपाद पद्म को बोले कि गुरुदेव ये तो ऐसे कपटी व्यक्ति है। हमने बोले कि गुरु संजय प्रभु भी थे उस समय, तो मैंने बोला कि गुरुदेव ये तो कपटी व्यक्ति है, ये ऐसा झूठ बोल रहा है। तो गुरुदेव बोल रहे हैं मैं जानता हूँ ये झूठ बोल रहा है। गुरु महाराज कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ ये झूठ बोल रहा है, अगर मैं गुरु हूँ तुम लोग दोष देखोगे, मैं अगर दोष देखने लगा तो मैं किस चीज़ का गुरु हूँ। बोलते मैं अगर दोष देख लिया तो मैं किस चीज़ का, मैं गुरु हूँ इसलिए मैं इसको भी उद्धार करूँगा, ये कपटी है तो इसको भी उद्धार करूँगा और धीरे धीरे इसका कपट दूर करके इसको भगवान की भक्ति प्राप्त करूँगा। ये हमारे गुरुपाद पद्म का विशेष विशेष महिमा है। तो इस प्रकार अनंत महिमा है ऐसे दयालु गुरु ऐसे श्रद्धालु गुरु जो इतने सरल है कि वैष्णवानंद यथाशंभु शिव जी तो भोले हैं और शिव जी से भी जो श्रेष्ठ भोले हैं वो हमारे गुरुपाद पद्म है, जो बलदेव प्रभु से भी श्रेष्ठ है और जो व्यास जी जिस प्रकार सृष्टि पालन और संहार करते हैं ऐसे हमारे गुरुपाद पद्म भी शिष्य को सृष्टि करते हैं पालन करते हैं और अपसिद्धांत को संहार करते हैं। तो ऐसे गुरुपाद पद्म हर जन्म में हमको अपने दास बना करके रखे, हमें अपने चरण में सेवा प्रदान करे, उनके चरण में यही प्रार्थना बांछा पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंद। बोलो हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्म परम आराधितम श्री श्रीमद भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत परम गुरुदेव वर्ग नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोदर्शत श्री श्री श्रीमद भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज, नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोदर्शत श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरणों का आश्रय लेते हुए समस्त गुरु परंपरा के चरणों मेरे असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित परम आराधितम श्री भक्तिवेदांत पद्मनाभ महाराज, अन्य अन्य समस्त वैष्णव वैष्णवी हरिकथा श्रोत मंडली, सभी के चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम। श्री वेद व्यास जी की शुभ आविर्भाव तिथि आज है और श्री सनातन गोस्वामी ने भी आज ही के दिन अप्रकट लीला अपनी आविष्कार की। इसी तिथि को उपलक्ष्य करके हम व्यास पूजा मना रहे हैं। आप लोग लक्ष्य करके देखेंगे, अगर हमारे गुरु वर्गों की जब आविर्भाव तिथि होती है तो उसे भी हम व्यास पूजा ही कहते हैं। व्यास पूजा अर्थात गुरुदेव को व्यास से अभिन्न बताया। व्यास का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाएगा, व्यास का मतलब होता है डायमीटर। सबने गणित में पढ़ा होगा व्यास अर्थात एक सेंटर पॉइंट को लेकर जो पूरा चंद्र सर्कल बनाया जाता है, तो उसे व्यास कहते हैं, जो डायमीटर। व्यास अर्थात जो विस्तार करे। वेदव्यास जी ने जिस प्रकार हम श्रवण कर रहे थे महाराज जी के मुखारविंद से, वेदव्यास जी ने एक वेद के चार भाग, चाहे उसके बाद में फिर अन्य अन्य पुराण उपनिषद ब्रह्मसूत्र इत्यादि जिस प्रकार शास्त्रों का विस्तार किया बद्ध जीव के कल्याण के लिए, ठीक उसी प्रकार गुरुवर्ग भी उसी का विस्तार करते हैं। भगवत नाम का, भगवत वाणी का, श्रीमद् महाप्रभु की जो वाणी है उसका प्रचार प्रसार करके उसको विस्तार करते हैं, इसीलिए उनको व्यासाभिन्न कहा गया है। और गुरु तत्व के विषय में, श्री व्यासदेव जी के विषय में तो हम लोगों ने श्रवण किया ही है। हमारे श्रील भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज वो विशेष करके शिष्य के विषय में काफ़ी सारी बात बतलाया करते थे। महाभारत एवं अन्य अन्य समस्त शास्त्रों से उद्धृत करके अलग अलग जो शिष्यों का वर्णन किया गया है और उसके अंदर क्या तारतम्य है, महाराज जी उस चीज़ का वर्णन करते थे। हम कुछ उसमें श्रवण करने की कोशिश करेंगे। ये ना महाराज जी का सच में वैशिष्ट था। जैसे भगवान के पिता दशरथ महाराज भी हैं, श्री वसुदेव महाराज भी हैं और नंद बाबा भी हैं, लेकिन तीनों में क्या तारतम्य है, क्या ग्रेडेशन है, उस चीज़ के विषय में महाराज बड़े सुंदर सुंदर तथ्य देकर और उस चीज़ को बतलाते थे। ठीक उसी प्रकार अगर साधारणतः जगत में किसी को प्रश्न करो कि शिष्य सर्वश्रेष्ठ शिष्य कौन है, तो लोग प्रायः कहते हैं एकलव्य। एकलव्य का नाम आता है ना, कि गुरुदेव ने एकलव्य से अपना अंगूठा मांगा तो अंगूठा भी काटकर गुरुदेव को साथ के साथ में दे दिया। लेकिन महाराज जी वर्णन करते हैं कि एकलव्य तो शिष्य कहलाने योग्य भी नहीं था। क्यों? क्योंकि एकलव्य गुरुदेव के पास में गया, श्री द्रोणाचार्य के पास में गया, द्रोणाचार्य के पास में जाकर और उन्होंने धनुर्विद्या सीखने के लिए कहा। द्रोणाचार्य किंतु गुरु, सब जानते हैं, उन्होंने समझ लिया कि इस धनुर्विद्या का प्रयोग करके ये पांडवों के विरुद्ध युद्ध करेगा, भगवत भक्तों के विरुद्ध युद्ध करेगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया, बोले तुम्हारे लिए धनुर्विद्या ठीक नहीं, मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। उन्होंने लेकिन गुरुदेव की एक मूर्ति बनाकर, विग्रह बनाकर या छवि कुछ लेकर और उससे फिर धनुर्विद्या सीखने की चेष्टा करी। बड़े निपुण भी हो गए, बहुत अच्छे से धनुर्विद्या सीख ली। एक समय पर कभी द्रोणाचार्य, अर्जुन, पांडव समस्त किसी वन मार्ग से जा रहे थे, किसी कुत्ते ने जब उस समय पर शब्द किया, केवल मात्र ऐसी शब्द भेदी बाण को उन्होंने चलाया कि उस कुत्ते को कोई क्षति भी नहीं हुई और उसका भौंकना भी बंद हो गया, शब्द करना भी बंद हो गया। जिसको देखकर अर्जुन भी प्रश्न करने लगा, बोले गुरुदेव ये किसने बाण चलाया है, देखकर लगता है कि बड़ा ही कोई निपुण धनुर्धारी है, क्योंकि कुत्ते को कोई क्षति भी नहीं हुई, कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा और अब वो शब्द भी नहीं कर रहा। गुरुदेव के सामने उसी समय पर एकलव्य उपस्थित हुए। प्रश्न करते हैं द्रोणाचार्य, बोले तुमने ये विद्या कहाँ से सीखी, बोले मैंने आप ही से सीखी है, बोले मैंने तो तुम्हें सिखाई नहीं, बोले मैंने आपका इस तरह से विग्रह बनाकर और उससे ही मैंने ये विद्या प्राप्त करी, धनुर्विद्या प्राप्त करी। द्रोणाचार्य कहते हैं कि तुमने क्या गुरु दक्षिणा तो प्रदान करी नहीं, मुझसे यदि विद्या सीखी है तो गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य से उसी समय पर द्रोणाचार्य ने अपना अंगूठा मांगा, सीधे हाथ का अंगूठा निकाल कर और दे दो, तो उन्होंने क्या किया, अंगूठा काटकर संग संग में गुरुदेव को दे दिया। समस्त धनुर्विद्या इस अंगूठे के बिना व्यर्थ है, लेकिन तब भी उन्होंने गुरुदेव के कहने पर दे दिया।
गुरुदेव के वचन को पालन किया, लेकिन जो गुरुदेव की इच्छा थी उसके विरुद्ध कार्य किया। गुरुदेव एकलव्य को नहीं सिखाना चाहते थे, लेकिन तब पर भी उन्होंने धनुर्विद्या सीखी। इसीलिए गुरु जो चाहते हैं उसके विरुद्ध अगर कोई कार्य कर रहा है तो उसे शिष्य नहीं माना जाएगा। गुरुजी ने यदि कहा है कि तुम मठ में रहकर बर्तन साफ करो, तुम मठ में रहकर अर्चन करो, इससे तुम्हारा मंगल होगा, बोले नहीं गुरुदेव, हम तो कथावाचक बनेंगे, हमें कथा बोलना है, हम कीर्तन करेंगे। गुरुदेव की इच्छा के विरुद्ध जाकर यदि उस सेवा में बड़े ही दक्षता प्राप्त हो जाए, बड़े निपुण भी क्यों ना हो जाए, लेकिन तब पर भी वो शिष्य कहलाने नहीं होगा, वो शिष्य तुल्य भी नहीं है। जैसे कर्ण का भी उदाहरण आता है, अपने गुरुजी से झूठ बोलकर, ये सारे शिष्य नहीं है, झूठ बोलकर उस विद्या में बड़े ही निष्णात हो गए, लेकिन तब पर भी जब एक समय पर परशुराम जी की गोद में सिर रखकर सो रहे थे, आपको पता है किस प्रकार उस समय पर पता चल गया कि वो क्षत्रिय बालक है। तो यहाँ पर महाराज जी कहते थे कि ये सबसे निकृष्ट श्रेणी है शिष्यों की। लेकिन उससे अगर ऊपर कुछ देखोगे तो वर्णन आता है आरुणी और उपमन्यु। आरुणी और उपमन्यु, आरुणी ने क्या किया, बोले गुरुजी के पास में विद्या अध्ययन करने के लिए आए हैं, लेकिन जब तक सेवा नहीं करोगे तब तक तो विद्या धारण करने का हमारे अंदर सामर्थ्य आता नहीं। शास्त्र इसीलिए वर्णन करते हैं, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुख्य ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरुत्यद। अर्थात हमारा अधिकार इतना निम्न है, इतना निम्न है, ये भगवत ज्ञान, ये भगवत नाम धारण करने की योग्यता हमारे अंदर नहीं, लेकिन यदि कोई सेवा करे, यदि कोई हरि गुरु वैष्णव की प्रीति विधान के लिए सेवा करे, तो सेवा करते 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 हमारे अंदर योग्यता आती है, और तभी जाकर वो क्या होगा, सेवन मुख्य जिह्वादो स्वयं एव स्फुरत्यद। कृष्ण नाम उच्चारण नहीं करना पड़ेगा, अपने आप वो स्फुरित होगा। भगवत ज्ञान वर्णन करते हैं किसी पांडित्य द्वारा इस तरह से संभव नहीं है। यमेवेश व्रणुते तेन लभ्यस, अर्थात ठाकुर जी ने जिसका चयन कर लिया उसी के हृदय में ये ज्ञान स्फुरित हो जाएगा। कैसे चयन करेंगे, बोले यदि कोई सेवा करे, यदि कोई निष्कपट रूप में सेवा कर रहा है तो उसको ठाकुर जी चयन कर लेते हैं। तो अभी आरुणी ये क्या कर रहे हैं, बोले गुरु जी ने बोला गैया चराओ, गैया चराने हैं, गैया चराने के लिए गए हैं, लेकिन क्या खाना है, क्या कुछ लेकर जा रहे हो या नहीं, इसके विषय में कुछ नहीं कहा। आरुणी क्या करता था, गैया चराता था और वही गैया का दूध पी लेता था। कुछ समय बाद में जब गुरु जी के पास में लौट कर आए तो गुरु जी ने देखा बड़े हृष्ट पुष्ट हैं। गुरु जी ने प्रश्न किया कि तुम क्या खाते हो, कहते हैं बोले मैं गैया का दूध पी लेता हूँ। बोले नहीं नहीं, गैया का दूध तो बछड़े के लिए है, मैंने तुम्हें गैया का दूध पीने के लिए नहीं कहा, तुम क्यों पीते हो। तो ठीक है, गुरुदेव आज से गैया का दूध पीना बंद हो गया, लेकिन क्या खाना है ये नहीं बताया गुरु जी ने। वापस गैया चराने के लिए चले गए। कुछ समय बाद में जब वापस आए तब भी देख रहे हैं कि हृष्ट पुष्ट है, बढ़िया शरीर बना हुआ, मोटे सोटे हैं। गुरु जी ने प्रश्न किया, बोले गैया चरा रहे हो, तुम खाते क्या हो, दूध के लिए तो मैंने मना कर दिया था। कहते हैं बोले गुरुदेव, जब बछड़ा दूध पीता है तो उसके मुख के साइड से जो फैन निकलता है उस फैन को ही मैं खा लेता हूँ और उसी को खा के अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। गुरुदेव बोले नहीं नहीं, वो भी नहीं लेना, हमेशा निषेध कर रहे हैं कि ये मत खाना, लेकिन क्या खाना है वो भी नहीं बता रहे। अंततः वापस भेज दिया, बोले जाओ गैया चराने के लिए। अभी जब गैया चराने के लिए गए हैं, दूध नहीं खाना, बछड़े के मुख द्वारा निकला हुआ फैन नहीं खाना, क्या खाएंगे। इतने शुद्धार्थ हो गए कि जो आकंद का पत्ता होता है, आकंद देखा है ना, आकंद का पत्ता, उसको भी तोड़ने से जैसे दूध निकलता है ना, वो ही खाने लग गए और खाते खाते क्या हुआ, अंधे हो गए, वही पान करके अंधे हो गए। अंधे हो गए तो कुछ दिख नहीं रहा और जाके एक दिन कुएं में गिर गए और वहीं पर पड़े हुए हैं। लेकिन उसको देखकर साक्षात इंद्र स्वर्ग लोक से अश्विनी कुमार जो वैद्य हैं वो दोनों आ गए, खीर लेकर आए हैं, बोले इसे तुम खा लो, इसे खाने से तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। लेकिन अश्विनी उपमन्यु क्या कर रहे हैं, ये उस समय पर भी ग्रहण नहीं कर रहे, बोले नहीं मैं ग्रहण नहीं करूंगा, मेरे गुरुजी ने मुझे खाने के लिए तो कहा नहीं, गुरुदेव यदि आदेश देंगे तो मैं खाऊंगा। साक्षात गुरुजी वहां पर उपस्थित हुए और उन्होंने क्या किया, उन्हें खीर खाने का आदेश दिया। सर पर हाथ रखा तो सारा ज्ञान वेद इत्यादि समस्त हृदय में स्फुरित हो गया।
ये सेवा का फल है। निष्कपट रूप से गुरुदेव ने जो कहा उस आदेश को पालन किया, सेवा करी, तो सेवा करने का क्या फल हुआ? समस्त ब्रह्म विद्या प्राप्त हो गई। उसी प्रकार आरुणी का केस आता है, उन्होंने भी क्या किया? बोले गुरुदेव ने जब आदेश दिया कि बारिश हो रही है, धान की खेती है हमारी, तुम जाकर क्या करो? बोले जल जैसे मेड़ टूट के निकल ना जाए, इसलिए तुम उसकी रक्षा करो। जाए गए हैं रात के समय पर और मेड़ रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि मेड़ बह जा रही है, बार बार टूट जा रही है। उसी समय पर क्या किया? खुद ही लेट गए, खुद ही वहां पर मेड़ के रूप में लेट गए ताकि पानी सुरक्षित रहे। पूरी वृष्टि होती रही, ठिठुर रहे हैं, ठंड लगने जा रही है, लेकिन तब पर भी कुछ नहीं। गुरुजी खोजते खोजते आए हैं, खोजते खोजते जब आए, देखा वहां पर लेटे हुए हैं, पूरा शरीर कांप रहा है वृष्टि के अंदर। गुरुदेव अत्यंत प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हुए गुरुदेव, और उसी समय पर आशीर्वाद दिया तो सारा वेद पुराण उपनिषद का ज्ञान हृदय में स्फुरित हो गया। गुरुदेव के आदेश अनुसार यदि कोई कार्य करे शिष्य, तो उसे उन्नत, उसे भी अच्छा कोटि बताया गया। लेकिन कहते हैं कि ये भी साधारण श्रेणी है। क्यों? क्योंकि गुरुदेव को आदेश देना पड़ा, गुरुदेव जैसा कह रहे हैं उसको पालन किया, यद्यपि कोई दोष नहीं, लेकिन उससे भी एक श्रेष्ठ श्रेणी है। क्या उससे श्रेष्ठ श्रेणी है? यदि कोई गुरुदेव के हृदयगत भाव को समझकर और उसके अनुसार सेवा कर ले, तो वो सबसे सर्वश्रेष्ठ श्रेणी बताई। श्री नरोत्तम दास ठाकुर इसलिए वर्णन करते हैं श्री रूप गोस्वामी पाद के लिए, श्री चैतन्य मनोअभिष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम। श्री रूप गोस्वामी पाद ने क्या किया? श्रीमन महाप्रभु के हृदयगत भाव को जानकर, उनकी इच्छाओं को जानकर, उसी के अनुरूप सेवा करी, उसी के अनुरूप कार्य किए। श्रीमन महाप्रभु के अंतरंग जो हृदय की इच्छा थी उसको जान लिया और जानकर उसी के अनुरूप सब कुछ कार्य किया, तो उन्हें कहना नहीं पड़ा, महाप्रभु को कहना नहीं पड़ा, रूप गोस्वामी पाद ने सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यास पूजा करी। श्रील प्रभुपाद गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने उनको कहा कि कलकत्ता में मत जाना और मठ मंदिर इत्यादि के आडंबर में मत पड़ना, लेकिन प्रभुपाद ने सर्वप्रथम मठ ही जाकर कोलकाता में स्थापित किया। मठ मंदिर एक नहीं 64 मठ स्थापित किए, गुरु की आदेश के विरुद्ध जाकर भी, लेकिन उन्होंने क्या किया? सर्वश्रेष्ठ व्यास पूजा करी। सर्वश्रेष्ठ व्यास पूजा करी उनके मनोविष्ट को समझकर, जो उनके हृदय की इच्छा है उसको समझकर और कार्य किया। हमारी समस्त गुरु परंपरा में यदि देखोगे, मनोभिष्ट सेवा ही सबसे सर्वश्रेष्ठ बताई गई है, लेकिन गुरुदेव के हृदय को समझना भी इतना सहज नहीं है। ये भी केवल मात्र एक ही उपाय है सेवा से। अगर हम निष्कपट रूप में सेवा करें हरि गुरु वैष्णव की प्रीति के लिए, उनके प्रीति विधान के लिए, अनुकूल सेवा है ना, अनुकूल सेवा, गुरुदेव हमारे हिसाब से चलेंगे ऐसा नहीं, गुरुदेव के लिए जो अनुकूल है, अगर उस तरह की सेवा हम करें, तब जाकर क्या होगा, उनका मनोविष्ट हमें समझ में आएगा। आज व्यास देव जी की तिथि है, व्यास पूजा है, तो मेरा भी गुरुदेव के चरणों में, समस्त गुरु परंपरा के चरणों में यही प्रार्थना है कि निष्कपट रूप में हम किसी प्रकार गुरु वैष्णव की सेवा में नियुक्त हो, तब जाकर उनका मनोविष्ट कभी हम समझ पाएंगे और समझ के उसे पूर्ण करने की चेष्टा में लगेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, हाँ एक मिनट कीर्तन कर देते हैं फिर कथा सुन लेंगे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा बोलो कृष्णा हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे
राम 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 राम
मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद शोधर श्री 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 माधुभक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग भगवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद शोधर श्री 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 माधुभक्ति वेदांत श्री लोक नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। समस्त गुरु परंपरा श्री व्यास देव जी श्रील भक्ति वेदांत श्रील पद्मनाभ महाराज अन्य अन्य वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजी को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोग का बहुत बहुत बढ़िया दिन है। आज श्री व्यास देव जी का आविर्भाव तिथि है। हम सवेरे से लेकर के हम तो चार दिन से इसको मना रहे हैं क्योंकि बहुत सारी जगह पर प्रचार है। तीन दिन पहले हापुर में, कहीं बड़ौदा में, कल अशोक नगर में, आज सवेरे गढ़ी में और आज शाम को श्री रमण बिहारी गौरी मठ में हम लोग ये मना रहे हैं। इसलिए कोई कोई प्रश्न करते हैं, भैया व्यास पूजा कब है? अब तो तीन चार दिन से मना रहे हैं। लेकिन श्री प्रभुपाद कहते हैं, कहते जो व्यास अभिन्न श्री गुरु जी की पूजा कहते हर साल नहीं, हर महीना में नहीं, हर सप्ताह में नहीं, हर दिन में नहीं, हर क्षण क्षण में श्री गुरु जी की पूजा होनी चाहिए। हर क्षण क्षण में श्री गुरु जी की पूजा होनी चाहिए। इसलिए श्री भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एक बहुत बड़ी बात को कहा करते थे प्राय करके। वो कहते थे, कहते मैं श्री जब भगवान राम आए हैं मैं तब भी किसी ना किसी रूप में जगत में होते हुआ हूँ, लेकिन भगवान राम हमारे ऊपर कोई कृपा नहीं की, कोई पेड़ पौधा लता पता रूप में तभी हम होगा किसी तरह से, लेकिन भगवान राम हमारे ऊपर कोई कृपा नहीं की है। कहते जब द्वापर युग आया परम ब्रह्म भगवान कृष्ण ही आए, उसी समय मैं भी किसी ना पशु पक्षी रूप में किसी रूप में होता हुआ हूँ, लेकिन भगवान कृष्ण भी मेरे ऊपर में कृपा नहीं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए उसी समय मैं भी किसी ना किसी रूप में होता हुआ होगा, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु भी हमारे ऊपर में कृपा नहीं किए। जब सड़ गोस्वामी आए तभी भी होता हुआ होगा, जब जीवी गोस्वामी नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास आए तभी भी होता हुआ होगा, तभी मैं किसी ना किसी रूप में होता हुआ होगा, लेकिन इन लोगों ने मेरे ऊपर में कृपा नहीं किए और मेरे को चोटी को पकड़ करके ये माया से नहीं निकाले। लेकिन अगर ये माया से मेरे को अगर किसने निकाले तो किसने निकाले ही? बोले श्री गुरुपाद पद्म ने ये माया की नरक से निकाल दिया है। इसलिए वो और ये बात कहते थे कि हम इतने पापी हो, कहते थे बोले पूरी शरीर कीट है ते मुही से लभिष्ट और जगाई माथाई है ते मुही से पापिष्ट, मोर नाम लय जय तार पाप है, मोर नाम सुने जय तार पुण्य है, लेकिन एमन निर्घीर न मरे केवा कृपा करे, कहते एक गुरुदेव बिना संसारी। इसलिए समझ रहे कि नहीं, बंगला समझ रहे कि नहीं? कहते मैं टाटी के कीड़े से भी गया पिता हूँ, जगाई माथा इतने पाप किया, कहते चित्रगुप्त को लिखते लिखते पूरा घर भर गया, कहते उससे भी मैं ज्यादा बड़ा पापी हूँ। अगर मेरे नाम कोई ले तो उसको पाप होता है, मेरे नाम कोई सुने तो उसको पुण्य होता है, लेकिन ऐसे हम निकृष्ट है। लेकिन अगर ऐसे निकृष्ट व्यक्ति को अगर कोई कृपा की तो किसने की है? बोले हमारे श्री गुरुपाद पद्म ने ही हमारे ऊपर में कृपा की है। इसलिए हम सबके सब श्री गुरु जी के चरण में हम सबके सब ऋणी हैं। अगर हम जो भक्ति कर रहे हैं, भजन जो कर रहे हैं, लेकिन सचमुच से भक्ति हो रही कि नहीं हो रही है, पता कैसे पड़ेगा? इसलिए श्रील बामन गोस्वामी महाराज एक दिन श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज सारे शिष्यों को बुला करके बैठाए और उन्होंने सबसे एक प्रश्न किया है। उनका प्रश्न था, भगवत भक्ति प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय क्या है और भक्ति का क्या डेफिनेशन है? तो उन्होंने एक एक शिष्य को उन्होंने खड़े किए, सब लोगों ने भक्ति की बड़ी डेफिनेशन बताई, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम
अनुपुल्लेन कृष्णानुशीलन, रूप गोस्वामी ने जो भक्ति की संज्ञा दी है, और अनन्या ममता भक्ति ममता प्रेम संगता, उपनिषद में जो भक्ति की संज्ञा दी है, इसलिए कहते श्री उद्धव नारद ने जो भक्ति की बड़ी बड़ी भक्ति की सब डेफिनेशन बताए। लेकिन कहते श्री बामन गोस्वामी महाराज का जब नंबर आए, बोले तुम बताओ, देखो ये क्या कहते हैं, कहते भैया हम तो भक्ति भक्ति कुछ नहीं जानते, हम तो बड़े मूर्ख हैं, बड़े अज्ञानी हैं, लेकिन हम अभी मैं जो कर रहा हूँ, अगर हमारी क्रियाओं में सेवा में अगर मेरे गुरुदेव अगर हमारी सेवा में अगर संतुष्ट हो गए तो मैं समझूंगा मेरी पूरी भक्ति हो गई, मेरी भक्ति पूरी हो गई। अगर गुरुदेव ही संतुष्ट नहीं हुए, कहते भाई मैं समझूंगा हमारी भक्ति भक्ति कुछ नहीं है। इसलिए हम सबके सब गुरु जी के चरण में हम ऋणी हैं, सबके सब गुरु जी के चरण में ऋणी हैं। इसलिए आज श्री व्यास पूर्णिमा आप लोग श्रवण कर रहे थे, श्री व्यास देव आज इस जगत में प्रकट हुए हैं। कहते जो व्यास पूजा है हमारे गौड़ीय वैष्णव में सर्वप्रथम किसने प्रारंभ करवाया, बोले श्री सच्चिदानंद गौड़। जब श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप लीला में थे, गुरु पूर्णिमा आ गया, व्यास पूर्णिमा आया, एक दिन पहले श्री चैतन्य महाप्रभु श्री शिवास पंडित को नित्यानंद प्रभु सब भक्तों को उन्होंने बुलाया, बोले देखो कल व्यास पूर्णिमा है, कल हम सबके सब व्यास पूजा करेंगे, गुरु पूर्णिमा करेंगे। तब वो बोले बहुत बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा हम कहाँ पर करें, बोले ये श्रीवास पंडित जी घर में हम करेंगे। तब श्रीवास पंडित को बुलाया, बोले देख कल तुम्हारे घर में हम ये व्यास पूर्णिमा मनाएंगे। बोले श्रीवास लगता है तेरे ऊपर थोड़ा बोझ आ गया, क्योंकि तुम्हारे घर में पूजा होगी, पूजा के लिए सामग्री को एकत्रित करना पड़ेगा। बोले प्रभु हमारा तो अहो भाग्य है, कल मेरे घर में ये व्यास पूर्णिमा बनेगा, आपका आशीर्वाद से घर में सब कुछ है, लेकिन थोड़ी सी पूजा के लिए फूल चंदन अगुर चंदन की जरूरत है, सब कुछ इकट्ठे कर देंगे, कल तो हमारे बड़े भाग्य हैं, कल श्री व्यास पूर्णिमा हमारे घर में होगी। अभी सारे भक्त लोग वहाँ पर एकत्रित हुए, कीर्तन हो रहे, बड़ा आनंद हो रहा है। अभी व्यास पूजा की एक निर्दिष्ट समय था, इसी समय पर व्यास पूजा होनी चाहिए। इतने में श्री चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु को बोले, बोले नित्यानंद अभी व्यास पूजा के समय हो गया, अभी तुम व्यास की पूजा करो। तो नित्यानंद प्रभु तो प्रेम में डूबे हुए हैं, वो तो कृष्ण प्रेम की शराब पिए हुए, बोले सिर हिला रहे, बोले सिर क्या हिला रहे हो, जल्दी जल्दी समय जा रहे, व्यास पूजा करो ना। जब उन्होंने बताए तब श्री नित्यानंद प्रभु जितने सारे व्यास पूजा की सामग्री थी माला ली, वो सबके सब लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु जी गले में डाल दी, उनकी चरण की उन्होंने पूजा की। जब पूजा की तब श्री प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं, बोले भैया उन्होंने महाप्रभु के गले में क्यों माला डाली। कहते मूल व्यास, व्यास मतलब होता है विस्तार करना, व्यास मतलब विस्तार करना, जो कथा को संपूर्ण रूप में जगत में विस्तार करते हो व्यास। अगर आप देखोगे जो मूल व्यास है श्री नित्यानंद प्रभु, जो कृष्ण कथा को कृष्ण सेवा को जो जगत में सर्वत्र प्रचार और प्रसार करते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, माला को लेकर के श्री चैतन्य महाप्रभु गले में क्यों डाले। तब इसी विषय पर श्री प्रभुपाद इसी विषय पर बड़े विस्तृत टीका को लिखते हैं, कहते श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है, बोले श्री चैतन्य महाप्रभु राधा भाव दूति सुबलितम नवमी कृष्ण स्वरूप। कहते राधा कृष्ण का जो मिलित विग्रह श्री सचिनंदन गौर हरि है, ये स्वयं कृष्ण महाप्रभु है। कहते ये व्यास देव कौन है, बोले ये भगवान की छह तरह का अवतार है, हैं गुणावतार लीलावतार मन्नतर अवतार सत्यावेश अवतार, ये सब अलग अलग अवतार, लेकिन ये जितने अवतार है किसके, इसलिए श्री सुत गोस्वामी कहते हैं ना, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुल लोकम मृढ़यंती युगे युगे। ये जितने सारे अवतार हैं
क्यों नहीं, मतलब कृष्ण की कोई अंश कोई कला है, लेकिन जो कृष्ण है ये पूर्ण ब्रह्म, ये स्वयं भगवान कृष्ण है, और इनके सबके सब सारे अवतार, दूसरे दूसरे अवतार इनकी सबके सब अवतार है। इसलिए जब श्री चैतन्य महाप्रभु की हमने पूजा कर ली, मतलब कृष्ण पूजा कर ली, कहते इनकी सबके सब पूजा अपने आप हो जाता है, अपने आप सबको पूजा हो जाता है। इसलिए उन्होंने सब कुछ दे करके श्री महाप्रभु की उन्होंने पूजा की, कहते ये एक अर्थ है। बोले दूसरा अर्थ क्या है, बोले दूसरा अर्थ है कहते जो इसी जगत में जैसे आज गुरु पूर्णिमा है, क्योंकि आज श्री व्यास देव कोई प्रश्न करेगा, आज तो श्री व्यास देव का ही जन्म तिथि है, तब पूजा तो होनी चाहिए व्यास देव की। अरे हम अपना गुरु जी को क्यों पूजा कर रहे हैं, अपना गुरु जी की क्यों पूजा करते हैं? बोले कारण है कहते जो व्यास मतलब होता है जो विस्तार करना, बोले अभी भी हमारे गुरुपाद पद्म जैसे श्री व्यास देव जी ने भगवान की नाम रूप गुण लीला को जगत में विस्तार किया, अभी हमारे गुरुदेव क्या कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं, ठाकुर का नाम रूप गुण तो जगत में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसलिए कहते व्यासाभिर्न श्री गुरुपाद पद्म है, ये गुरुपाद पद्म है। इसलिए आज का दिन विशेष करके उत्तर प्रदेश में सबके सब भले ही गुरुदेव की जन्म तिथि में और उनके अप्रगट में जाए नहीं जाए, लेकिन आज का दिन आप देखोगे सबके सब श्री गुरु जी की पूजा करने के लिए आज का दिन सबके सब आते हैं, क्योंकि वो व्यास देव के दिन जो काम है हमारे गुरु जी वही काम को जगत में अभी करते हैं। इसलिए श्री नित्यानंद प्रभु उन्होंने महाप्रभु की गले में माला देकर के ये शिक्षा दी, जगत में उन्होंने ये शिक्षा दिया है, कहते मतलब प्रभुपाद कहते हैं गुरु जी की पूजा करनी चाहिए, भैया गुरु जी की लक्षण भी तो होनी चाहिए, गुरु जी की लक्षण तो होनी चाहिए। शंकर जी कहते ना पार्वती को गुरवः भव संति शिष्य वित भार का दुर्लभ सद्गुरु देवी शिष्य संताप हर को, बोले हे पार्वती जगत में जो सद्गुरु बड़ा दुर्लभ है, लेकिन जो बीत हरण करने वाले गुरु तो बहुत मिलेंगे, लेकिन जीव को दुख कष्ट हरण करने वाले गुरु बहुत है, बहुत कम है। इसलिए आप लोग नाम सुने होंगे जय गुरुदेव, नाम सुने हो वृंदावन गए कि नहीं गए, देखना वहां पर कितना बड़ा मंदिर देखो, लेकिन वो मंदिर में जाकर देखो ना भगवान भगवान को जुड़े ना, वो गुरु जी का फोटो ही लगा दिया, कहते गुरु ही भगवान है। ऐसे बहुत सारे संप्रदाय है जो गुरु जी को ही भगवान मानते हैं, बोले भगवान भगवान कुछ नहीं, नहीं ये गुरु नहीं हो सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं गुरु जी की दो स्वरूप मानी गई है, एक तो इनको नित्यानंद अभिन्न स्वरूप मानी और दूसरा स्वरूप राधा रानी की अत्यंत अत्यंत प्रियजन है। इसलिए विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं ना निकुंज जू न रति के भई जा जा बीजू तिरपेक्षणिया तत्रादि दाक्षादति वल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। गुरुदेव कौन है, राधा कृष्ण की जो निकुंज लीलाओं में जो राधा कृष्ण की सेवा में बड़े जो एक्सपर्ट है उनकी सेवा में ये गुरुदेव है, और नित्यानंद प्रभु कृष्ण से अभिन्न होकर क्या कर रहे हैं, बोले कृष्ण ही सेवा कर रहे हैं। कहते वही गुरुदेव नित्यानंद अभिन्न है जिनकी 24 घंटा में जो 24 घंटा जो स्वयं भजन करे और जो अनुगत लोगों को भजन में जो लगाए, जो भगवान की भजन में लगाए, और जो कहता है भगवान भगवान कुछ नहीं, गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही सब कुछ है, भैया कहते हो गुरु गुरु नहीं है, वो गुरु गुरु नहीं है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं उसका आचरण सही होनी चाहिए, गुरु जी की आचरण सही होनी चाहिए तभी वही गुरु हो सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में बताए तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमं साप्त परेज निष्णातं ब्रह्म निरुपसमासे। कहते कैसे गुरु जी की चरण में शरणागत होनी चाहिए, है बोले तस्मात् गुरुं प्रपद्येत, अगर माया संसार से कोई पार होना चाहते हैं गुरु जी की चरण में हमें शरणागत होनी चाहिए। बोले भैया गुरु जी का लक्षण भी तो कुछ होनी चाहिए, कितना गुरु कर जान के और पानी पियो छान के, जान करके तो गुरु ग्रहण करनी चाहिए ना,
इसलिए यहाँ पर उनकी गुरु जी के तीन लक्षण बताए। पहला लक्षण है साध्य। समस्त श्रुति शास्त्र में पुराण में जो अत्यंत पारंगत होनी चाहिए, क्यों? अगर शास्त्र नहीं जानेगा तो गुरु जी की मन में जो शंका है वो शंका को दूर नहीं कर सकता है। कहते भैया देखो भी बड़े बड़े पंडित, हमारे मथुरा में एक पंडित संत तीर्थ है, सात विषय ऊपर में तीर्थ उनको था, इतने बड़े विद्वान था, एक घंटा में 100 श्लोकों को नए श्लोकों को रचना कर देता था, इतने बड़े विद्वान। बोले भैया जगत में बड़े बड़े विद्वान पढ़े क्या गुरु हो जाएंगे? बोले नहीं, बोले परेचा। परेचा मतलब होता है भजन परायण भी होनी चाहिए, केवल दूसरों को उपदेश दे रहे हैं, अपना भजन भजन से कोई मतलब नहीं, वो गुरु नहीं बन सकते। सचमुच से शास्त्र का जो तात्पर्य को अपना जीवन में उतारते कि नहीं, ये चीज को देखना पड़ेगा। ये इनकी मुख्य लक्षण है, शास्त्र जानना ये गौर लक्षण है। अब जो तीसरी चीज है, ये सांसारिक जो वस्तु से वो ऊपर होनी चाहिए, ये सांसारिक विशेष वस्तु से वो अनासक्त होनी चाहिए। क्योंकि गुरु जी के तीन लक्षण होनी चाहिए तभी कोई गुरु पदवाच्य हो सकता है। केवल शास्त्र पढ़ने से नहीं होगा, बोलने से नहीं होगा, उसको अनुभूति भजन परायण भी होनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, कहते गुरु जी का जो आचरण है, इसलिए कहते ना शिव विग्रह आराधन नृत्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादो युक्त भक्तांश निजुंजतो भी वंदे गुरु श्री चरणारविंद। जो स्वयं 24 घंटा में 24 घंटा जो भजन करते हैं और जो अनुगत लोगों को भजन में लगाते हैं, कहते ये वास्तव रूप में गुरु है, ये वास्तव रूप में गुरु है। इसलिए प्रश्न है, अभी हम क्यों सारा दुनिया ये व्यास क्यों पूजा कर रहे हैं? कारण क्या, आज क्यों सारा दुनिया में व्यास की पूजा क्यों कर रहे हैं? बोले कारण है, अगर ये व्यास नहीं आते, अगर ये ग्रंथ शास्त्र रचना नहीं करते, आज क्या भगवान की थोड़ी बहुत जो भक्ति करने के लिए प्रचेष्टा करते हैं क्या भजन कर पाते? हम करते क्या भक्ति करते? करते ही नहीं। लेकिन ये सारे दुख कष्ट का कारण है कि हम लोग कृष्ण भूली सही जी अनादि वैर भूल चुके, हमने भगवान को भूल गए, इसलिए संसार में दुख कष्ट उपभोग कर रहे हैं। लेकिन जीवन में शांति कब मिलेगी? बोले जब हम प्रभु की शरण में जाएंगे। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्। जब तक श्री ठाकुर जी के शरण में तमेव शरणं गच्छ सर्व भावेन भारत तत् प्रसादात् परां शांति। जब तक जी प्रभु के शरण में नहीं जाएगा तब तक उसको परम शांति उसको नहीं मिल सकता है। इसलिए श्री व्यास देव आकर के समस्त जीव कल्याण करने के लिए ये वेद पुराण को प्रकट किया है, तभी हम ये ग्रंथ को पढ़ करके भगवान की भक्ति के लिए हम प्रचेष्टा करते हैं। इसलिए हम सबके सब श्री व्यास जी के चरण में हम ऋणी हैं, इनके चरण में ऋणी हैं। और विशेष करके हमारे श्री गुरुदेव का एक आर्टिकल है, अभी वो बता रहा था ना, बोले भैया गुरु भी बहुत तरह का, अभी गुरु भी बहुत तरह के हैं, अभी जो बता रहे थे उसमें गुरुदेव बताया जो पहला नंबर जो एकलव्य का बात बताए, कहते ये शिष्य गुरुव है। शिष्य गुरुव मतलब क्या है? शिष्य का नाम पर ये कलंक है। कौन? एकलव्य। जितने भी दिखाई पड़ा अपना अंगुल काट करके दे दिया गुरु जी की सेवा के लिए, लेकिन होने पर भी वो शिष्य नाम पर कलंक क्यों? ऐसे कुछ शिष्य होते हैं, गुरु जी कहते थे गुरु जी के चरण में आए। बोले क्यों आए? बोले देखे गुरु जी के पास बहुत सारे चेले आ रहे हैं और गुरु जी के पास बहुत सारे संपत्ति धन दौलत है, इसलिए अगर गुरु जी के पास में आएंगे ना, उनका नजर गुरु जी जो परमार्थ दे रहे हैं वो परमार्थ से कोई मतलब नहीं है, उनकी पकड़ को तरफ नजर है। गुरुदेव कब जाए और ये सारे संपत्ति को कब हम हड़प करके ये सारे संपत्ति का मालिक कब हम? तब गुरु जी कहते थे जो शिष्य के मन में ये प्रवृत्ति है, गुरु जी के पास में बहुत लोग आ रहे हैं, देश विदेश लोग आ रहे हैं, माल मिलेगा, उनकी पकड़ का तो प्रति गुरु को शिष्य पदराचर नहीं है, क्या तो शिष्य नाम पर एक कलंक है।
क्योंकि कलंक है, इसलिए गुरुदेव कलंक का उदाहरण देकर कहते थे। लेकिन जद्य भी दिखाई पड़ा गुरु जी की सेवा के लिए अंगूठा काट करके दे दिया है, काट करके दे दिया, कभी वो शिष्य नहीं है। दूसरा नंबर गुरुदेव कहते हैं एक तामसी शिष्य, एक राजसिक शिष्य और एक सात्विक शिष्य। मतलब तामसिक शिष्य कौन आई बता रहे, कर्ण हो गया परशुराम को पास में धनुर विद्या सीखने के लिए। बोले क्यों? बोले अर्जुन को मैं परास्त करूंगा, सीख करके अर्जुन को, और उन्होंने ऐसे धनुर विद्या उसने सीखा किया। लेकिन चूंकि गुरु जी को उन्होंने झूठ बोला था, वो अपना क्षत्रिय नहीं बोलकर ब्राह्मण बोला था। आप लोग महाभारत देखे होंगे ना, कीड़े आकर के जो प्यार को एकदम छेद कर दिया, खून की धारा बहने लग गई, गुरु जी की नींद खोली। बोले तू सचमुच से बताओ तू क्षत्रिय ना ब्राह्मण है? बोले मैं ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय, मैंने झूठ बोला। बोले तुम्हारे सारे विद्या निष्फल हो जाएगी, जब सबसे प्रयोजन समय आएगा ना तुम्हारे मंत्र कोई काम नहीं करेगा। और सचमुच से जब अर्जुन को साथ में युद्ध कर रहे थे, कोशिश कर रहे हैं मंत्र याद करने के लिए, कोई मंत्र याद नहीं आया। गुरु जी कहती है तामसिक शिष्य है, यद्यपि दिखाई पड़ता है बड़ी सेवा की है, लेकिन ये तामसिक शिष्य ये भी शिष्य नहीं। एक होता है राजसिक शिष्य, बोले कौन? गुरुदेव पितामह भीष्म के उदाहरण गुरुदेव देते थे। यद्यपि पितामह भीष्म द्वादश महाजन्म में महाजन है, लेकिन उन्होंने अपना गुरु जी परशुराम को साथ में उन्होंने युद्ध किया, अपना गुरु जी को साथ में उन्होंने युद्ध किया है, क्योंकि अम्बा अम्बाली का अंबिका को लेकर बड़ी लड़ाई हुई है इनको लेकर। कभी जहां पर कोई परमार्थ की कोई संबंध नहीं है, कभी ये राजसिक शिष्य है। कहते एक होता है सात्विक शिष्य है, बोले सात्विक शिष्य ने गुरुदेव उदाहरण दिया, ये उपमन्यु और उदालक का उदाहरण दिया। यद्यपि उन्होंने गुरु जी की बड़ी सेवा की तो है, लेकिन इनकी आराध्य देव कौन है? इनकी आराध्य देव कौन है? ब्रह्म ही आराध्य देव, कोई भगवान भगवान नहीं, पता नहीं कौन सा ब्रह्म को उपासना करने वाले। यद्यपि उन्होंने गुरु सेवा की, लेकिन जो गुरुदेव कहते जो निर्गुण जो गुरु सेवा है, गुरुदेव ने उदाहरण दिया है ये सुदामा और श्री कृष्ण की उदाहरण दिया है। इन्होंने भक्ति की है, उन्होंने अपना गुरु जी के घर में गए, गुरु जी की बड़ी सेवा की। कृष्ण ऐसे उन्होंने सर को ऊपर में सुखी लकड़ी को लेकर रात भर खड़े रहे, ठिठोरते रहे, गुरु माता सेवा के लिए भेजा था हैं। कहते ये निर्गुण गुरु सेवा है, लेकिन होने पर भी गुरुदेव कहते हैं यहाँ पर जो कृष्ण मिले है ना, कहते द्वारकाधीश कृष्ण मिले, ये द्वारकाधीश कृष्ण मिले, कहते ये ब्रज की कृष्ण नहीं मिले, ये ब्रज की कृष्ण नहीं। तब गुरुदेव कहते उससे भी श्रेष्ठ है कौन है? उदाहरण देते बिल्लो मंगल। ये बिल्लो मंगल जो उन्होंने जो भक्ति की है, हैं राधा कृष्ण की जो उन्होंने भक्ति की, कहते उनसे ये श्रेष्ठ भक्ति है। लेकिन उससे भी एक श्रेष्ठ भक्ति क्या है, जो श्री सचिनंदन गौर हरि की अनुगत्य में जो जुगल की जो सेवा करने वाले कौन? पर हमारी जो गुरु परंपरा श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी, कहते श्री कहते इन लोगों ने जो श्री महाप्रभु की अनुगत्य में इन लोगों का जो भक्ति है ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति। इसलिए हम विशेष करके श्री व्यास देव का चरण इतने ऋणी क्यों, कारण क्या है? बोले कारण है आज सनातन गोस्वामी क्या तिथि है, कौन सा तिथि है? तिरुवाप तिथि। इसलिए सनातन गोस्वामी कौन सा ग्रंथ लिखे बताओ तो? हमारे पद्मनाभ महाराज यहाँ पर अच्छे तरह से पाठ किए हुए, कहते बृहत भागवतामृत। इसलिए भागवत तो है ये श्रेष्ठ है, लेकिन उसको भी सारांश रूप में इन्होंने जो बृहत भागवतामृत ग्रंथ रचना की, जिस ग्रंथ को गुरुदेव प्राय करके जहां जहां गुरुदेव गए, इसी ग्रंथों को ही पृथ्वी में सर्वत्र गुरुदेव ये बृहत भागवतामृत पाठ किया। क्यों? यद्यपि सब भक्ति भक्ति है, इसलिए वहां पर पांच तरह का भक्तों का नाम लिया, ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त, प्रेमापर और श्री प्रेमातुर भक्त। प्रेमातुर भक्त कौन है? अरे बोलो कौन है? सब चुप हो गए, कोई कथा नहीं सुन रहे। कौन है प्रेमातुर भक्त? उद्धव जी। ज्ञानी भक्त उन्होंने प्रहलाद को बताया, उनसे उनसे प्रेमी भक्त किसको बताए? शुद्ध भक्त श्री अंबरीश महाराज, उनसे
कृष्ण भक्त बताए हनुमान जी उसको पांडव जी और उनसे सर्वश्रेष्ठ भक्त हुए श्री प्रेमातुर श्री उद्धव जी, इनसे बड़े भक्त जगत में कोई नहीं। लेकिन श्री उद्धव जी जब ब्रज में आए सनातन गोस्वामी बृहद भागवतामृत में ये जो चीज को निरूपण किया उद्धव जैसे व्यक्ति भी, इसलिए कहते ना उद्धव शुद्ध है गयो सुनी गोपियों की बोल और ज्ञान बजाए टुकड़ी बाजे प्रेम की ढोल। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी जो भक्त का तारतम्य को दिखाते हुए उन्होंने जो ब्रज भक्ति को उन्होंने जो दिखाए सनातन गोस्वामी जो सर्वश्रेष्ठ भक्ति जो उद्धव जैसे व्यक्ति भी राधा रानी की चरण की एक धूल को जो वंदना कर रहे हैं बोले वंदे नंद ब्रज श्रीनाथ पाद रेणु अभिस्नक्ष जासाम हरि कथा गीत नाथ भवन त्रय। कहते राधा जी की चरण की धूल की जो उन्होंने वंदना की है, कहते श्री व्यास देव जी इसलिए हम उनकी चरण में ऋणी है, श्री व्यास देव ने ही हमें ये ब्रज भक्ति भेटी सर्वश्रेष्ठ भक्ति ब्रज गोपियों के जो प्रेम राधा जी के प्रेम की जो आदर्श उन्होंने श्रीमद भागवत ग्रंथ में रचना की, इसलिए आज ऐसे श्री व्यास देव जी की जन्मतिथि है। अगर ये व्यास देव नहीं होते और इनकी अभिन्न श्री सनातन गोस्वामी नहीं होते तो फिर तो हम ये ब्रज भक्ति में हमारी लोभ ही नहीं होता। इसलिए हमारे श्री भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज विशेष करके एक बात को बताते थे, यहाँ तो क्या बोलते थे बल्कि एक जीवन में इसी जीवन में अपना लक्ष्य को स्थिर कर लो, हमारी लक्ष्य को स्थिर कर लो। हमारे लक्ष्य क्या चाहिए? राधा रानी की पाल्य दासी और कोई चीज नहीं चाहिए। भले करोड़ों जीवन में हमें क्यों नहीं मिले, गुरुदेव कहते थे इसी जीवन में अपना लक्ष्य को थोड़ा स्थिर कर लो, बस हमें मिले तो किसी ना किसी जीवन में वही राधा रानी की चरण की हम सेवा हमें मिले। इसलिए हम व्यास देव का चरण में हम सबके सब ऋणी है, ठीक है ना। इसलिए आज श्री व्यास देव का जन्मतिथि, लेकिन और एक बात क्या बात है, वो प्रेम का दुर्लभ प्रेम है जिसको ब्रह्मा जिनके लिए तरसते हैं, शंकर भी गोपी बन करके आते हैं, लक्ष्मी भी कठोर तपस्या कर रही है, नारद भी नारद कुंड में तपस्या कर रहे हैं, जिस प्रेम को पाने के लिए इतने कठोर तपस्या कर रहे हैं, दुर्लभ तो है लेकिन अभी पाने के लिए भी हमें क्या करनी चाहिए, पाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। इसलिए क्या करनी चाहिए, कम से कम हमें जो भक्ति की अंग हमें जाकर करनी चाहिए। बात तो बहुत बड़ी है लेकिन उसके लिए साधन भी तो ऐसे बड़ी होनी चाहिए ना, है साधन के बगैर तो साध्य पा ही नहीं सकते। इसलिए क्या करनी चाहिए हमें, संख्या पूर्वक नाम गान नदी, हमें संख्या पूर्वक ये हरिनाम हमें करनी चाहिए रोज। हमें क्या करनी चाहिए, रोज हमें सवेरे उठ करके तिलक स्नान करके सबसे पहले क्या लगानी चाहिए, जोर से बोलो तिलक लगानी चाहिए। अगर कोई बोलेगा तिलक क्या कर? भक्ति से क्या मतलब, नहीं बगैर तिलक के एक छात्र आ गया महाप्रभु क्लास में, महाप्रभु निकाल दिया क्लास, मैंने तिलक लगा कर नहीं आई, लगता है मैंने गुरु मंत्र जब नहीं जाओ तिलक लगा करके आओ, तब प्रभुपाद कितना बड़ा उसमें टीका लिखते हैं, महाप्रभु ऐसे क्यों सिख्या दी। कहते जिसकी ललाट में तिलक नहीं है कहते वो ललाट शमशान है। आज जो व्यक्ति तिलक धारण करते हैं कहते ऊर्ध पुंड धर्मर्थ मृत जत्र कुत्र चित, अगर तिलक धारण करते हुए कहीं भी ये शरीर छूटेगा ना, भगवान कहते सुपा को भी वो चंडाल क्यों नहीं हो और मेरे लोक हो जाएगा, मेरे लोक हो जाएगा भगवान कहते हैं। इसलिए कहते जिसकी शरीर में तिलक है उसमें लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा सावित्री हरिवल्लभा नित्य तस्यम भवेत देहे जस्य पद्मादित तनु, जो तिलक धारण करते हैं गया गंगा कुरुक्षेत्र लक्ष्मी सरस्वती सब उसको शरीर में निवास करते हैं। इसलिए जरूर तिलक लगानी चाहिए, ऐसे नहीं चलो मंदिर में जा रहे हैं तिलक बगैर जाएंगे तो वैष्णव को डांट लगाएंगे तुम्हें तिलक नहीं दिखे, इसलिए दिखाने के लिए जब मंदिर में आए बड़े बड़े लंबा तिलक काट आगे घर में कोई तिलक नहीं। सर्वप्रथम वैष्णव का सर्वप्रथम तो पुराण में श्लोक बताया तिलक के बगैर जो भक्ति करते हैं उसको जो फल मिलेगा,
जब तिलक धारणा करते हुए कोई भक्ति करता है, हरिभक्त विलास ने बताया उससे करोड़ों गुण उसको उसको फल मिलता है, करोड़ों गुण फल मिलता है। इसलिए तिलक के लिए कोई अवहेला नहीं करनी चाहिए, जरूर तिलक लगानी चाहिए, ठीक है ना। इसको कान बात को दूसरी चीज है क्या करनी चाहिए, कहते गले में तुलसी कंठी होनी चाहिए। गुरुदेव कहते थे अगर गले से कंठी उतर गई ना, जब तक दो बार कंठी नहीं पहनो तब तक पानी तक भी नहीं पीना, गुरुदेव मना करते थे। क्यों? हम जो पीते हैं अंदर में पवित्र होकर के जाता है, जो बोलते हैं वो पवित्र बनकर के वो निकलती है। बगैर कंठी के शास्त्र कहता मैं नहीं जब कहते हैं, अगर तुम्हारी गले में मरते समय एक तुलसी कोई एक कोई दाना है ना, सीधा भगवान का धाम में चलो। अगर गले में कंठी नहीं तुमको नरक से कोई रोक नहीं सकता, सीधा नरक जाना पड़ेगा। मैं नहीं जब महाराज स्वयं कहते हैं, इसलिए गले में कंठी जरूर होनी चाहिए। गुरुदेव कहते थे अगर किस तरह से कंठी उतर गई, जब तक ये कंठी को दो बार मत पहनो, पानी तक भी पीने के लिए गुरुदेव मना करते थे, बगैर कंठी के रहनी नहीं चाहिए। और जो तीसरा चीज है, कहते भगवान का नाम है, ठाकुर जी की नाम को संख्या पूर्वक करनी चाहिए, नियमित करके। ऐसे नहीं आज इच्छा हो गया तो माला क्या नहीं तो जान के ना लटक गया है, लटक गया। गुरुदेव कहते थे, गुरुदेव का मुख पाणी है, कहते गुरुदेव कहते कभी भी माला को भूखे नहीं रखना। अगर एक दिन तुमने माला नहीं जबकि गुरुदेव कहते माला आया ना, वो माला नहीं कृष्ण तुम्हारे पास में आए, इनके रोज सेवा करना है, नाम करना। गुरुदेव कहते थे अगर एक दिन माला नहीं की, गुरुदेव कहते थे आज तुमने ठाकुर को खिलाए नहीं पिलाए नहीं स्नान नहीं कराया, ठाकुर जी दिन भर भूखे रह गए, दिन भर ठाकुर जी घर में भूखे रह गए। गुरुदेव कहते थे खुद भूखे रह जाओ, लेकिन माला को कभी भूखा नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना, नहीं रखनी चाहिए। गुरुदेव कहते थे और गुरुदेव कहते थे जैसे देखो हरिदास ठाकुर दिन में कितना नाम करते थे, बोलो जोर से, 3 लाख 16 चार बार 16 करते 1 लाख होता है, हैं 4 बार 3 बार 16 माला करते थे। लेकिन जब अगर हम 16 माला अगर करते हैं ना, देखना सवेरे से लेकर शाम तक 16 माला पूरी हो गया और दिन में 3 लाख हरिनाम करते थे। जब तक ये 3 लाख माला नहीं करते थे तब तक ये कोई भोजन ग्रहण नहीं करते थे, तब महाप्रभु रोज प्रसाद लेकर के आते थे। एक दिन प्रसाद लेकर के आए, बोले हरिदास प्रसाद लो, बोले ठाकुर जी आज मैं प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा, बोले क्यों, बोले मेरे माला ही पूरी नहीं हुई। तो महाप्रभु कहते हैं जीवन भर तो 3-3 लाख हरिनाम किए हो, आज तो अभी वृद्ध लेट हुए बिस्तरा में, शरीर छोड़ने वाले एकदम लेट हुए थे, देखो महत्वपूर्ण बात ये है, बोले तुम तो सारा जीवन किया अभी तो वृद्ध हो कितना कम करो। देखो ये क्या कहते हैं, बोले प्रभु जी शरीर मोर सुस्त है असुस्त उठम, ये हम लोगों के लिए कह रहे हैं। बोले प्रभु शरीर तो मेरे बढ़िया है चंगा है, लेकिन जो मन है ना ये असुस्त है। मतलब क्या है, आप देख लेना हम कभी कभी बड़े बहानाबाजी बना, बोले समय कहाँ भजन के लिए, बताओ स्मार्टफोन में कितने समय लगा दो, टीवी में सीरियल में कितने समय देखते हो, अपना आपस में गप्पे कितने समय मारते हो, आप देखो उसी के लिए बुरा समय है। लेकिन जब माला की बात बताए ना, बोले समय कहाँ, हमारे समय कहाँ भजन करने की, ये समय कहाँ, माला के लिए कोई समय नहीं। इसलिए वो कहते थे शरीर तो हमारी सुस्त है, लेकिन जो असुस्त जो बुद्धि है, इसलिए जो मन है ये बड़ा दुष्ट है। देखना हर काम के लिए मन का समय निकाल लेगा, लेकिन जब भजन की बात बोलो इतने बहानाबाजी मारता है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे सवेरे उठो और अपना जूती को लो, क्या लो, अरे बोलो क्या लो, अपना जूती लो, जूती लेकर के मन को सवार पीटो, मन को सवार पीटो, मतलब मन को समझाओ, क्या समझाओ, मैं सारा दिन इधर उधर में समय नहीं लगाना, क्योंकि जो मानव शरीर की जो एक एक श्वास है कहती है जैसे एक कोहिनूर हीरे जैसे, जैसे अंबानी कंपनी वाले, अगर डॉक्टर बोल दिया इसकी अंतिम श्वास है, लेकिन इसकी परिवार लोग कहते हैं तुम्हें हम 4 कोहिनूर हीरे दे रहे हैं, इसकी 4 श्वास वापस ले आओ, बताओ 4 श्वास डॉक्टर वापस ले आ पाएगा 4 कोहिनूर हीरे को द्वारा,
इसलिए मानव शरीर नहीं कोई जो दिए ठाकुर जी दिए। आज हमें आज वहाँ जो कथा हो रही थी ना, लेकिन कोई कौन बोल रहा था, कोई एक राजा था, राजा की घर की कोने में एक छोटा सा कोई बक्स था, लेकिन राजा उसको बेकार मान करके उसको फेंक रखा था, कुछ है ही नहीं। लेकिन ये बाद में उसमें जो खोला तो सोच रहा था कुछ है ही नहीं, लेकिन राजा को बाद में जब बक्स खोला ना, उसमें एक कोहिनूर हीरा था। क्या था उसमें? कोहिनूर हीरा था जिसको कीमत लगाया गया। उसी समय में कौन सा राजा था, कौन सा राजा था? काश्मीर का कोई राजा था। उसको उसी समय में बहुत दिन पहले उसका हिसाब लगाया, उसका कीमत उसी समय था 500 करोड़, उसकी हीरे की कीमत था जो कि लगाया। लेकिन वो घर की कोने में ऐसे फेंका हुआ था, सोच रहा था कुछ नहीं, बक्स पड़ा हुआ। तो वो भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज उदाहरण देते थे, ये भगवान की नाम नहीं, ये क्या है, ये कोई जुरी हीरे से भी ज्यादा महत्व है। वो कहते थे ये कोई जुरी हीरे से भी ज्यादा महत्व है। भैया गुरुदेव माला नहीं दे दिया, साक्षात कोई जुरी हीरे से भी ज्यादा कीमती चीज दिया। लेकिन अभी हम क्या सोच रहे, बेकार हरिनाम करने से क्या होगा? नहीं भैया, जब ये मानव शरीर छूट जाएगा ना, अगर जब दूसरे जीवन मिलेगा, करोड़ों कोशिश करने पर भी गुहा से ठाकुर का नाम नहीं निकलेगा, फिर तो पेड़ पौधा जानवर बनकर जाना पड़ेगा फिर हमें, ठीक है ना। ये जीवन हमें बड़े भाग्य से मिला है, इसलिए गुरुदेव जो माला दिए है, ये कोई मेरे हीरे समझ करके इसको नाम जप करो, और अंतिम समय में यही काम आएगी, और जीवन में कोई काम है हमारी नहीं आने वाले है। देखो और एक चीज समझो, हमें गुरु जी कहते थे अच्छे तरह से चीज को दिमाग में बैठा हो। देखना संसार में अक्सर करके जो काम करते हैं हम दूसरों के लिए, दूसरों को खुश देने के लिए, अपना पति कैसे खुश रहे, बच्चे कैसे खुश रहे, पत्नी कैसे खुश रहे, परिवार कैसे खुश रहे, अपना लिए देखना बहुत कम कम करते हैं, दूसरे के लिए ज्यादा करते हैं। घर में कभी कभी ऐसे स्थिति आता होगा, सबको खिला पिला कर कुछ भी बचा नहीं होगा, दो रोटी नमक से भी खा लिया होगी, होता कि नहीं जीवन में। लेकिन गुरुदेव एक बात कहते थे, ये बताओ जिनके लिए तुम इतने परिश्रम कर रहे हो, अभी तक तुम्हारे ऊपर में संसार में कोई खुश है? आप बताओ कोई संसार में तुम्हारी खुश है? देखना तुम्हारे पीछे तुम्हारी चुगली होती होगी और कुछ नहीं होती होगी, केवल चुगले के सिवाय दुनिया में तुम्हें कुछ भी देने वाले नहीं। अरे जो चुगल देने वाले उसके पीछे दिन भर तो लगे हुए हो। जब भगवान की अंगुल कट गई, परीक्षा कर रहे थे, द्रौपदी ने साड़ी को फाड़ करके बैंडेज कर दी, ठाकुर इतने में रीझ गए, इतने में ही सोच रहे थे ये द्रौपदी का ऋणी कब चुकाओ, ऋणी कब चुकाओ। जब भरी सभा में द्रौपदी की लाज जा रही थी, बताओ द्रौपदी को कितने पति थे, कितने पति थे? 5। सर्वश्रेष्ठ गांधारी अर्जुन, गदाधारी भीम, नकुल, सहदेव, आप बताओ कोई काम में आए, कोई काम में आए? आज उसका जो 5 पति नहीं है, हमारे एक पति क्या काम में आएगा? आप बताओ एक पति क्या काम में आएगा? अंतिम समय में काम आएगा किस, कौन काम में आए? बस वही काम में आने वाले भैया। इसलिए अंतिम समय जब ले जाएंगे, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य बोल कर ले जाएंगे, बोले सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा है, प्रभु के नाम के सिवाय जो कुछ तुमने जीवन में किए हो केवल झूठे में तुमने बिताया, सुई धागा भी नहीं जा रहा है। इसलिए क्या करनी चाहिए, तिलक माला कंठी, ये 3 चीज को पक्की रखो, 3 चीज को पक्की रखो, ठीक है ना। फिर तो हम भगवान के धाम में जरूर, ठाकुर के पास में हम जरूर जा सकते हैं। इसलिए बोलने के लिए बहुत है, इसलिए आज श्री व्यास देव जी की, आज श्री सनातन गोस्वामी जी की आज तिथि है, इसलिए ये हम सबको परम कृपा करें, ये जो चीज हमें दिए हैं जैसे अपना जीवन में उसको अपना करके अपना जीवन को जैसे हम धन्य धन्य बना सके। हम यही बोल करके अपना वक्तव्य को ये विश्राम देता हूँ। सबसे पहले आज इस शुभ तिथि में सभी लोग यहाँ पधारे हैं, सबसे निवेदन है
बिना प्रसाद पाए कोई नहीं जाएगा, ठीक है, सबके लिए व्यवस्था है, पाकर कोई जाएंगे। और विशेष करके पूरे प्रतिवेदांत शिविर महाराज जी को बहुत बहुत हार्दिक रूप से धन्यवाद है। महाराज जी को विशेष करके चार दिन से व्यास पूजा चली है, अब इसके बीच में मतलब आप सोच ही सकते हैं महाराज जी का कितना मुझे शेड्यूल है, उनका सुंदर कथा परिवेशन किया है, बड़े सार्वजनिक चीज है, थोड़ा सा 2 मिनट बैठ जा कुछ सूचनाएं हैं, फिर उसके बाद होगी गुरु पूजा। विशेष करके महाराज जी ने जो लास्ट में जो बात बताई कि नाम तो ले लेते हैं और कुछ जुड़ तो जाते हैं कि जो समझते हैं कुछ लेकिन ये करना नहीं चाहते हैं, तो श्रवण बिहारी गौड़ी मठ में हमने ये चीज साक्षात रूप से दर्शन किया। तो हाँ, तो ये तो नए लोगों की बात नहीं है, 20-20 साल पुराने लोगों की हालत कह रहा हूँ, इसलिए उन सब लोगों की स्थिति को देखते हुए रमन बिहारी गौड़ी मठ में कई कार्यक्रम तो चल ही रहे हैं, वैसे भी गुगल गौड़िया बच्चों के लिए है, महिलाओं के लिए 3G है, बड़ों के लिए, समझदार लोगों के लिए लाइफ मैनेजमेंट प्रोग्राम है। तो ठीक वैसे ही ये जो गृहस्थ हैं, विशेष करके पुराने जो भक्त हैं या जब उस समय के लिए जुड़े हैं जिनको अभी नहीं पता है, उन लोगों को सिखाने के हम लोग जो है गौड़ीय भजन पद्धति सीरीज के रूप में शुरू करने वाले हैं। संडे के दिन थोड़ा सा 2 घंटा हम सिखाएंगे, तिलक क्या है, तुलसी पूजा क्या है, नाम कैसे किया जाए, कई चीज पता ही नहीं, झूठा क्या, बोझा क्या, कुछ भी नहीं पता है, जिस हाथ में गाया उसी हाथ में पहुंच दिया बस, और जहां से गाया उसी जगह पर चलती है, पता ही नहीं चलता क्या है क्या नहीं है, नहीं चलती। तो ये सब चीज साथ में थोड़ा सिद्धांत, थोड़ा विचार, थोड़ा कीर्तन में मंगला कीर्तन में नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, तो ये सब चीज सिखा देते विचार से। अच्छा ये जो है दोनों प्रकार से रहेगा, ये साक्षात रूप में भी होगा, ऑफलाइन में भी रहेगा, और जूम आदि में भी या गूगल मीट में भी हम जो दूर दूर के लोग हैं उन लोगों को भी ये सुविधा या सुयोग सीखने का देंगे। ये चलते चलते महीने में एक बार होगा, फिर इस प्रकार करते करते 6 महीने में जो है बड़ा सा एक रिट्रीट जैसा या वर्कशॉप जैसा करने का सोचा, जिसमें 4-5 दिन रह सकते हैं, सीख सकते हैं, साथ में जब तक नहीं रहोगे सीख नहीं पाओगे, मंगलारती क्या, संध्यारती क्या, वो सब नहीं सीख सकते। और साथ साथ युवा पीढ़ी के लिए जो विशेष करके कॉलेज में जिन्होंने प्रवेश किया है, 17 साल से लेकर 25 साल तक जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में जा रहे हैं, उन लोगों के लिए हम लोगों ने इस सैटरडे से जो है गौड़ीय यूथ फोरम गुरुदेव की कृपा से हम लोग शुरू करने वाले हैं, जिनके भी बच्चे हैं यूथ हैं उन लोग उन कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। उसमें विशेष करके चरित्र गठन, परमात्मा की क्या लाभ है और उसको व्यवहारिक जीवन में किस प्रकार से उसको प्रयोग किया जा सकता है, ये सब चीज जो है सिखाएंगे। विशेष करके ये इसके फॉर्म्स हैं, बाहर जाएंगे जो बच्चे लोग हैं, बाहर जो है 3 लोग हैं, चंदन प्रभु, गहना दीदी और सिमरन दीदी, 3 लोग वहां पर हैं। इसके लिए यूथ जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, और इस प्रकार से ये कार्यक्रम में जो है आप लोग जुड़ सकते हैं। तो रमन बिहारी गौड़ीय मठ और विशेष करके IGBP सब प्रकार से बच्चे से लेकर जवान से लेकर के और गृहस्थ से लेकर बूढ़े लोगों तक सबके लिए विभिन्न प्रकार का कार्यक्रम सुयोग दे रहा है, ताकि सभी लोग कृष्ण भक्ति को सीख सके, सभी लोग ये कृष्ण भक्ति में जो है जुड़ सके। और विशेष करके 25 तारीख को जो है जुलाई 25 तारीख को ये IGBP के प्राक्तन जो सभापति रहे, प्रेसिडेंट रहे,
पूज्य पाद भक्ति वेदांत श्री तीर्थ महाराज जी का तिरुभाव तिथि हम लोग मनाएंगे दोपहर के समय 11 से 2 बजे तक, सभी लोग इसमें भाग ले सकते हैं। और विशेष करके जन्माष्टमी तिथि बहुत जल्दी ही आने वाली है, तो हम लोगों ने कल विशेष करके संध्या काल में 5 से 6 बजे महिलाओं के लिए और रात को 8 बजे से 9 बजे पुरुषों के लिए मीटिंग रखी है। इसमें जो कलेक्शन का रिसीप्ट दी जाएगी, सेवा का भी निर्वाचन किया जाएगा कौन किस प्रकार की सेवा करना चाहता है। जो लोग जन्माष्टमी में भाग लेना चाहते हैं वे शीशे वाले रूम में या देव की भजन कुटी में सब लोग भाग ले सकते हैं। और विशेष करके आज की जो तिथि है, इस तिथि के लिए जो हमारे बहुत ही पुराने श्री सहगल प्रभु जी माता और उनके जो बहन लोग हैं पूर्ण रूप से इस कार्यक्रम का उन लोगों ने सहयोग दिया है, सभी लोग गोदारी से ताली देंगे इनके लिए कृपा साथ में ये हमारे श्री सुरेंद्र माधव जी बाहर खड़े हैं, तो सुरेंद्र माधव जी भी इस कार्यक्रम के लिए सेवा की है, उनके लिए भी सभी लोग गुरुद्वारा से ताली देंगे। और मेरे से सभी लोगों से उनकी से मेरी प्रार्थना है वे आशीर्वाद जोड़ प्रार्थना में दे, इसी प्रकार उत्तर उत्तर सेवा करते रहे। और सभी लोगों से प्रार्थना है धीरे धीरे आप लोग निर्मल बिहारी छोटे मठ के कार्यक्रमों से जुड़िए, सुबह रात दिन और संडे के दिन और तरह तरह के कार्यक्रम प्रस्तुत है, इसमें भाग लेकर के निर्मल को धन्य कीजिए। और विशेष करके तिथियां है ही और कुछ नहीं है तो कम से कम महाप्रसाद तो है ही, वृंदावन में जो झूला होगी सब लोग जरूर वृंदावन के झूला में आना, श्री गुरुपाद पद में इसको शुरुआत किए थे रूप गोस्वामी ऊपर में, जब हम अपने आप रूपाठ को कहते हैं ये रूपाठ का मतलब है रूप गोस्वामी ऊपर बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग आकर के उसकी महिमा को गाते हैं। झूला की कथा श्री बलदेव प्रभु की कथा वहाँ पर 5 दिन प्रोग्राम है 8 तारीख से बोलते हैं 8 तारीख से अगली महीना 8 तारीख से झूला है। और आप लोग कृपा करके अभी कार्तिक महीना में परिक्रमा होगी, इसलिए जो व्यक्ति ये कार्तिक में परिक्रमा करना चाहते हैं, क्योंकि जो ब्रजमंडल परिक्रमा ये 84 क्रॉस ब्रजमंडल है, गुरुदेव कहते थे हम भगवान को भूल करके ये 14 ब्रह्मांड और 84 लक्ष योनि में हम भटक रहे हैं। जो श्री 84 क्रॉस ब्रजमंडल परिक्रमा करते हैं उनको ये 84 लक्ष योनि भी उनको समाप्त हो जाना है, उनको 14 ब्रह्मांड में और भ्रमण नहीं करना पड़ेगा। इसे आप लोग जरूर ब्रजमंडल परिक्रमा पे भी आओ। और ये जो रमण बिहारी गौड़ीय मठ में अभी हमारे सेक्रेटरी कौन है, श्री पद्मनाभ महाराज, ये जब से उन्होंने आए आप इनको जानते ही नहीं, ये पहले अमेरिका में PhD कर रहे थे, हाँ ये अमेरिका में PhD कर रहे थे, लेकिन जब हमारे गुरु जी गए ना उनको देख करके सारे PhD छोड़ छाड़ कर उन्होंने आ गए। और इनके परिवार लोग पता नहीं कितना दिखते लोग ढूंढते रहे हमारे बेटा गया कहाँ, वो PhD करने गया था वो गया कहाँ, ढूंढते ढूंढते बड़े दिनों में पहले उनको ये मिले हैं। इसलिए जब से महाराज जी आए हैं तब से बहुत अच्छे तरह से ये हमारे IGT का जो सेक्रेटरी पद को संभाल रहे हैं और हरिकथा कीर्तन और सारे हर उत्सव को बढ़ा चढ़ा करके महाराज कर रहे हैं। जो लोग पहले गले में कंठी लिए किस कारण से कंठी उतर गया, आप लोग कंठी ले लेना यहाँ से, कुछ भी नहीं है, मैं तो कहूँगा हमारे ब्रह्मचारी लोग हैं बड़े बड़े पुजारी लोग हैं।
विशेष करके श्री विकास कत्याल प्रभु जी हैं, दिन रात चल के सारा प्रसाद की सब कुछ प्रयोग करके सबके लिए भेजना पूरा दिन चला हुआ है, और इसमें सारे लोगों का सहयोग तो करते हैं शांति से बैठे धन्यवाद। अब जो एकदम नए लोग अगर हरिनाम लेकर के भजन करना चाहते हो आप लोग माला ले सकते, ठीक है। अभी क्या कीर्तन करो, हाँ अभी आप लोग बैठे जाओ, अभी हम लोग गुरु जी की आरती करके सबके सब गुरु जी की पूजा करते हैं। बोलो श्री गुरु जी
Oh,
Yeah.